The ball is released from rest. Find its time period of oscillation. देखो आपको दिख रही है एक फिक्स सपोर्ट लेफ्ट साइड में है, आपको दिख रहा है? Yes, sir. जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल होगा, जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल होगा, यहां पे मान लो आ चुका है, तब वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट कैसे चला? अगर ये टी को तो जीरो मान रहे हैं तो ये टाइम आप बता सकते हैं ना कितना होगा, कितना होगा? ये 1/4 ऑफ एसएचएम है ना? इसका मतलब ये वाला टाइम कितना होना चाहिए? 1/4 ऑफ जो एसएचएम का टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड को भी फिलहाल के लिए टी वन मान रहे हैं, ठीक है? बट सेकेंड हाफ में देखो, अब ये यहाँ पे लटक गया, देखो यहाँ पे फंस गया, तो यहाँ पे फंस गया, तो इफेक्टिव लेंथ जो उसका ऑसिलेट करने के लिए यूज हो रहा है, L by 4 ही यूज हो रहा है, हो रहा नहीं? Yes sir. Yes sir. समझ आ रही है? तो yes. इस बार यहाँ से जो एंगल हो जाएगा इधर थीटा नॉट डैश अगर कह रहे हैं, तो ये थीटा नॉट डैश तो थीटा नॉट से मैच नहीं करेगा, ये आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब वो कितना होगा कैसे निकाले? इतना तो पक्का है कि अगर यहाँ पे मान लो कि फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो भी गई है, ठीक है, सॉरी तो मीन पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम जाने का जो टाइम पीरियड है वो भी तो 1/4 ऑफ ऑसिलेशन की तरह ही है। यस सर, यस सर। तो इसका टाइम पीरियड वापस से हम कह सकते हैं ना कि 1/4 ऑफ T1 और ऐड हो जाएगा, T2 और ऐड हो जाएगा, तो 1/4 ऑफ T1 था और उसमें अब आपका 1/4 ऑफ T2 ऐड हो जाएगा, समझ आ रही है? यस यस सर। ठीक है, अभी T1 T2 चेंज हुआ, ये क्यों पता है चल रहा है आपको? क्योंकि लेंथ ही छोटा हो गया ना। Yes, sir. इस हाफ में, एक हाफ में अगर आप देखोगे, इस हाफ में, इस हाफ का जो ओमेगा है, इस हाफ का जो ओमेगा है, ये ओमेगा, इसको ओमेगा वन कह रहे हैं, तो कितनी है रूट अंडर जी बाई एल। बट इस हाफ की अगर ओमेगा की बात करें, ये वाले हाफ की अगर ओमेगा की बात करें, तो ये ओमेगा टू को अंडर रूट 4 जी बाई एल, व्हिच इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ ओमेगा वन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी हाफ ऑफ T1 प्लस T2 होगा ना? T1 का भी आधा हो रहा है और T2 का भी आधा हो रहा है एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, होगा नहीं होगा? इंडिविजुअली दोनों हाफ तो हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? दोनों का कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, बट दोनों का हाफ ऑफ ऑसिलेशन तो हो ही रहा है ना। तो इसका मतलब हाफ ऑफ ले लेना है, सो दिस बिकम्स हाफ ऑफ 2 pi root under L by G n plus 2 pi root under L by G 2 यहाँ पे, ये चेक करो, देखो समझ आ गई है? Yes sir. ये वाली वैल्यू हो गई आपके लिए, 2 pi root under L by G को कॉमन कर लो, तो 2 pi root under L by G आपका कॉमन आउट हो गया, एंड इंटू ये हो जाएगा आपका 2/3, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अगर थीटा नॉट निकालना होता तो क्या करते? Vmax की वैल्यू को यूज करते। Vmax कैसे देखो? Vmax आप लेफ्ट हैंड साइड से निकालो या राइट हैंड साइड से निकालो, दोनों से सेम आना चाहिए। Vmax की वैल्यू को कैसे लिखते हैं? ओमेगा इंटू ए लिखते हैं या नहीं? और एम्पलीट्यूड तो एक एक्सट्रीम एंड से दूसरे एक्सट्रीम मीन पोजीशन उनका लीनियर डिस्टेंस होता है, तो इसको क्या हम ऐसा ले सकते हैं? दिस इज ओमेगा इनटू एल इनटू थीटा, ऐसा ले सकते हैं क्या? यस सर। ये थीटा, थीटा नॉट ही होगा ऑब्वियसली, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है। तो यहां पे देखो ओमेगा की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं? ओमेगा इज रूट अंडर जी बाई एल एंड इनटू एल इनटू थीटा नॉट। तो अगर आप देखोगे तो यार ये रूट अंडर
GL into theta not आ रही है, तो ये Vmax आपका constant होना चाहिए, तो Vmax अगर constant है, तो root under L into theta not should be root under L by 4 into theta not dash, so therefore theta not dash that will be twice of theta, हो गया सर, समझ आई? Yes sir. Clear है सभी को? Yes sir. ये मास एम का बॉल बॉब है मान लेते हो, लेंथ एल का स्ट्रिंग है, एंड द क्वेश्चन सेज द बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, फाइंड पहला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंड दूसरा इंपल्स इंपार्टेड बाय वॉल टू बॉल टू बॉब आफ्टर एवरी कोलिजन, या इन एवरी कोलिजन, In every collision. अब इसको कैसे करेंगे? अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, एंगल तो छोटा दिया है ना ऑलरेडी उसने, दिया नहीं दिया? मतलब SHM का रिजल्ट तो यूज हो सकता है, बट अब अगर पूरा SHM नहीं होगा तो क्या पूरा टाइम पीरियड का रिजल्ट यूज होगा? नो, तो दैट इज दी ओनली चेंज, कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कितना पार्ट यूज अप कर रहे हैं। आप ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ मीन पोजिशन तक तो आ ही रहा है, आ रहा है ना मीन पोजिशन? हाँ, इसका मतलब 1/4 ऑसिलेशन तो हो गया, एक एक्सट्रीम एंड से छोड़ा मीन पोजिशन पे आ गया, मतलब 1/4 हो गया। Yes, अगर आप दूसरे एक्सट्रीम पे जाने के वक्त देखोगे, तो दूसरे एक्सट्रीम जाते वक्त क्या हो रहा है कि वो अपने पूरे एक्सट्रीम तक नहीं जा पा रहा है, बट हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक तो जा रहा है। हाँ, जा रहा ही नहीं जा रहा, दिख रही है आपको? यस सर। अगर हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाने की मैं टाइम निकालूं, आपसे पूछूं कि टाइम कितना होता है हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाने का, तो क्या आप ये बता पाएंगे? टी बाय 12। यस सर। दिस इज टी इक्वल टू 0, this is t equal to t by 4, and this is t equal to t by 4 plus t by 12, ye to hoga, samajh aaya aapko? To kya hamara time period of SHM jo hai, matlab jo required time period of oscillation hai, wo kitna ho jayega? Twice of t by 4 plus t by 12, ye to hoga na, kyunki jana bhi aana hai, 12 4, samajh aayi sabhi ko? Yes sir. Yes sir. Twice of, यहाँ पे 12 LCM ले लिया, और ये जाएगा 3 plus 1, 4, so 4 T by 3, so ये जाएगा 4, 3, so this is 2/3 of T, T मतलब 2 pi root M by Q हो जाएगा, sorry, L by Q, समझ आई सभी को? Yes, yes sir. ठीक है, अब second part पे आए, second part पे उसने ये पूछा है कि इम्पल्स कितना इम्पार्ट हो रहा है, इंपल्स क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम। यस सर।
चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब अगर आया है वी स्पीड से और गया भी वी स्पीड से तो चेंज कितने बार 2mv का हो गया 2mv सर। और आपको याद है कि v की जो वैल्यू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे होती है a by 2 पे वो कितनी होती है √3/2 दैट्स इट। तो इसका मतलब इंपल्स की अगर हम बात कर रहे हैं सो इंपल्स व्हिच इज चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी ट्वाइस ऑफ mv एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ m into v v मतलब √3/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा a क्लियर है ना यस सर। So this becomes a 2 cancel out ho gaya. So this becomes √3 times of m into omega, which is root under g by l, and amplitude, which is l into theta naught. Samajh aayi sabhi ko? Yes, sir. Yes, sir. Koi confusion kisi ko? Koi confusion nahi kisi ko? No, sir. इमेजिन करो कि हमने एक हॉलो स्फेरिकल शेल लेकर सैंड से भर दिया। दिस इज फिल्ड विद सैंड और नीचे में हमने क्या किया एक छोटा सा छेद कर दिया और इस छेद से आपका सैंड जो है वो बेसिकली बाहर निकल सकता है। हमने क्या किया इसको थोड़ा सा स्विंग करके छोड़ दिया है, ठीक है, इसको डिफ्लेक्ट किया एंड रिलीज कर दिया, डिफ्लेक्टेड एंड रिलीज। इसमें पूछा है उन्होंने कि टाइम पीरियड इस बॉब का कैसे चेंज होगा, हाउ विल द टाइम पीरियड बी अफेक्टेड, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। बताइए आप अगर देखोगे तो जितने भी पेंडुलम बॉब के केस मैंने देखे हैं उसमें सभी केस में मैंने बॉब का जो साइज माना था वो नेग्लिजिबल माना था, राइट है ना। अगर आप देखोगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रीम एंड पे ही हम हमेशा मास को मानते थे, मतलब बॉब का जो डायमेंशन होता था वो नेग्लिजिबल मानते थे। तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो बॉब का एक फाइनाइट साइज है और अगर बॉब का फाइनाइट साइज है तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है आई मीन जो सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एक डिफरेंट लोकेशन पे है ना, है नहीं है। एक एक्सट्रीम एंड ऑफ स्ट्रिंग जो है, एक्सट्रीम एंड ऑफ स्ट्रिंग और सेंटर ऑफ मास ऑफ जो बॉब है वो डिफरेंट है या नहीं है, है ना। यस सर। समझ आ रही है सबको? जो हम लेंथ लेते हैं ये एल जो लेते हैं ना, दिस लेंथ इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास जो है जब पूरा फिल्ड होगा सैंड तब तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा, नहीं होगा, बट जैसे जैसे सैंड नीचे निकल रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास इंक्रीज करेगा, राइट। सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट करने से जो आपका लेंथ इफेक्टिव लेंथ वो बढ़ेगा, यस सर। जब पूरा का पूरा सैंड निकल जाएगा, पूरा का पूरा जब सैंड निकल जाएगा तब सेंटर ऑफ मास वापस से कहाँ चला जाएगा, मिडल, फिर से बीच में जाएगा। तो फिर से बीच में जाने का मतलब क्या है, लेंथ फिर से घट गया ना, यस सर। नहीं है तो एल की इस केस में, एल की वैल्यू इस केस में इंक्रीज की है एंड डिक्रीज भी तो किया ना, and therefore time period to khud hi proportional to root under l hai, iska matlab time period ki value bhi increase ki and then decrease. baat samajh aayi? yes sir, yes sir. is concept pe base karke aapke multiple questions ho sakte hain, kabhi bhi aap dhyan rakhna ki koi bhi pendulum based question hai aur usme distance between the point of suspension and the bottom most point wo agar change ho rahi hai, matlab center of mass ka wo change ho raha hai, तो फिर उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इफेक्टिव लेंथ के साथ ही कैलकुलेशन करना है। जैसे एक झूला है मान लो, स्विंग है, और उसमें मान लो कि दो बच्चे हैं जो यू नो बैठ के झूल रहे हैं, उसमें से कोई एक थोड़ा सा शैतान है वो क्या करता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है
तो उठ के खड़ा हो गया तो टाइम पीरियड अफेक्ट होगा या नहीं? होगा. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया. यस सर. वो खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा ना. यस सर. और अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गई इसका मतलब लेंथ बढ़ घट गया. अगर लेंथ घट गया मतलब टाइम पीरियड भी घट जाएगी. यस सर. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें मासेस को या पीछे कर रहे हैं या आगे कर रहे हैं तो इसमें हमेशा यही कंसेप्ट को यूज करना है. ध्यान रखना कि लेंथ जो लेना है आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब लेना है. ठीक है, समझ आ गई सभी को? यस. चलो अभी कोनिकल पेंडुलम करते हैं. सिंपल पेंडुलम आपको काफी बताया अभी. कोनिकल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम क्या बोल रहा हूँ? कंपाउंड. देखो कंपाउंड पेंडुलम कोई पर्टिकुलर शेप साइज के नहीं होते. कंपाउंड पेंडुलम कहने का मतलब है कोई भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट ले लो आप. टेक एनी रिजिड ऑब्जेक्ट एंड उस रिजिड ऑब्जेक्ट को कोई भी एक पॉइंट के अबाउट आप सस्पेंड कर दो. कोई भी पॉइंट सस्पेंड कर दो, बस वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपका सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए. तो कोई भी एक पॉइंट ऑफ के अबाउट सस्पेंड कर दो तो उस केस में वो एक कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगा. जैसे ऐसे सोचिए, देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं चेक करूं. आप देख पा रहे हो मुझे? देख पा रहे yes, हो? जैसे इमेजिन, जैसे ये सोचो आप, जैसे ये देखो, जैसे जैसे ये मैं यहाँ पे फोन पड़ा हुआ, ठीक है, ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है. ये तो पक्का है नहीं है. रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी में ऐसा कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आप कोई भी दो पॉइंट के बीच में आप सेपरेशन चेंज नहीं कर सकते. ये तो रिजिड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है ना. है नहीं है? yes, sir. तो अभी सोचो कि मैंने इसको लटका रखा है, ये लटका रखा है, तो इस केस में अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करूंगा तो फिर ये वापस से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा या नहीं? ये डैम्पर के रुक जा रहा है क्योंकि इसमें लॉस हो रही है. यहाँ पे मेरे हाथ के बीच फ्रिक्शन है इसलिए रुक जा रहा है. बट अदरवाइज अगर किसी तरह का लॉस नहीं होगा तो ये ऑसिलेट तो करता रहेगा, करेगा नहीं करेगा? समझ आ रही है? ठीक है, तो ये कंपाउंड पेंडुलम बन गया. अगर मैं यही चीज अगर सोचो कि ऐसा सोचो कि अगर मैं यहाँ पे आईपैड मेरा हाथ में सोचो कि अगर इसको लटका रखा है तो ये भी अब तो कंपाउंड पेंडुलम हो गया, नहीं हो गया? तो ये कोई पर्टिकुलर शेप साइज में नहीं आते. ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर शेप साइज होना चाहिए इसका. बस इतना ही कंडीशन है इसका कि कोई भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट. तो ये एक यू नो कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट, मैं कह रहा हूँ आप अपने हाथ में एक कॉपी को भी लटका दो और उसको स्विंग कराओ तो वो भी कंपाउंड पेंडुलम हो जाएगा. एक चेयर को किसी एक पॉइंट के अबाउट लटका दो और उसको स्विंग करने के लिए छोड़ दो, वो भी एक कंपाउंड पेंडुलम हो जाएगा. तो इंपॉर्टेंट यही है कि कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसको आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट सस्पेंड करते हैं और वहां से लटकाते हैं तो उस केस में ये कंपाउंड पेंडुलम की तरह बिहेव करता है. क्या आपको कंपाउंड पेंडुलम का मतलब समझ आया? यस सर. कंपाउंड पेंडुलम का मतलब क्या है? एनी रिजिड ऑब्जेक्ट, एनी रिजिड ऑब्जेक्ट फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट पॉइंट कोइंसाइडिंग विद इट्स सेंटर ऑफ मास, नॉट कोइंसाइडिंग विद इट्स सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तुरंत करते हैं. अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए कि सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करना चाहिए. अब इसके लिए टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक कोई भी एक शेप का, कोई भी एक रैंडम सा शेप का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? ये एक मेरा रैंडम सा शेप ऑब्जेक्ट है मान लो, और इस रैंडम सा शेप के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट मान लो सस्पेंड कर रखा है. अभी फिलहाल के लिए अगर सेंटर ऑफ मास की बात करो तो एग्जैक्टली इसके बॉटम मोस्ट पोजिशन पे होगा, होगा ही नहीं? होगा, क्योंकि तभी तो टॉप जीरो होगा ना. याद है आपको टॉप जीरो ही तो होना है ना मेन पोजीशन पे, होना ही नहीं होना? हाँ सर. यस सर. सो दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, लेंथ एल इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन
the point of suspension, center of mass and center of mass. ठीक है, इसको L मान रहे हैं. L length मतलब 2 by root and L by G मत कर देना. ठीक है, ये length L मतलब between center of mass and point of suspension है. And अब हम क्या करेंगे, इस object को थोड़ा सा turn करेंगे. ठीक है, we turn this object now. थोड़ा सा turn करने के लिए क्या देख पा रहे हो इसको, उसको टर्न किया जा रहा है. ये देखो, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, और अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टर्न किया है. तो जब इसको टर्न किया, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ना. यस सर. यस सर. सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड दिखा रहे हैं, एंगल छोटा मानेंगे. ठीक है, डायग्राम में बड़ा एंगल दिखा रहे हैं, बट ये एंगल छोटा मान के चल रहे हैं. दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा. तो अभी इस डिस्प्लेस पोजीशन पे इस पे वेट mg डाउनवर्ड्स लगेगा, बट टॉर्क जो क्रिएट करेगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट. हम्म, राइट. दिस इज सर. तो इस बार अगर हम लिखें तो रिस्ट्रेंट टॉर्क की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप, mg sin थीटा फोर्स है एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. हम्म, रिस्ट्रेंट फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन i अल्फा. हम्म, and since theta chota hai, toh isko likh sakte hain hum mg into mg theta l. So therefore, alpha ki value dekho aa gayi hai, mg l divided by moment of inertia about axis rotation. Hmm. Aur ye jo constant term hai, ye constant term hi kya ho gaya, omega square. Hmm. And therefore, aapko time period of oscillation mil gayi. So time period is coming out to be 2 pi by omega, which is basically 2 pi root under moment of inertia about axis of rotation and divided by. एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखनी है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना तो आता है ना आपको, आता नहीं आता? हां सर. यस सर. आपको थ्योरम इसको यूज करने के यूज करके निकालना पड़ेगा, पैरेललाइसिस थ्योरम, परपेंडिकुलराइसिस थ्योरम को यूज करके. पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक कॉमन मिस्टेक जो होता है वो ध्यान रखना यहां पे, कि एन जो है वो टोटल मास लेना है. जैसे अगर दो रॉड का कॉम्बिनेशन दे दिया और दोनों रॉड का मास m और m, तो उस केस में आपको टोटल मास जो नीचे में लेना है वो तो 2m लेना पड़ेगा. क्योंकि m जो है वो हमने किसका मास लिया है, पूरे सिस्टम का मास है ना m, क्योंकि weight mg दिखाया है, याद है? It has to be the total mass, and l जो है वो यहाँ पे distance of the center of mass from the point of suspension. ध्यान रखिएगा here. So 2m कब लेना है आपने बोला? 2m नहीं लेना बेटा, m टोटल मास लेना है. मैंने ये बोला कि अगर दो रॉड है m और m मास का तो 2m लेंगे, तीन रॉड है तो 3m लेंगे, चार रॉड है तो 4m. ठीक है, L is the distance of the COM from point of suspension. जैसे इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं जैसे इस ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो k है, मान लेते हैं. ठीक है, लेट k the radius of gyration here, center of mass cable. Then moment of inertia about axis of rotation likhte hain, to kya hum aise likhte hain, center of mass plus m into l square, aisa likh sakte hain kya? Next step pe likhe to isko m into k square plus m into l square, aisa likh sakte hain? Yes sir. तो यूज करें उस इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू थी 2 पाई रूट अंडर mgl, mgl की जगह लिख रहे हैं रूट अंडर mgl, पाई रूट अंडर m इनटू k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय mgl. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मास से कोई लेना देना नहीं है, दिख रहा आपको? यस सर. मास हल्का हो भारी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है ना? यस सर. यस सर. ये हो जाएगा k स्क्वायर बाय l
प्लस एल डिवाइडेड बाई जी. देखो ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू को आप चेंज करते जाओ, ठीक है. एल की वैल्यू को स्टार्ट करो जीरो से. एल की वैल्यू अगर जीरो, इसका मतलब क्या है? एल का वैल्यू जीरो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास पे है ही नहीं है. Yes, sir. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद सेंटर ऑफ मास पे है तो किसी भी ओरिएंटेशन में रखो तुम, जो सेंटर ऑफ मास का से वेट पास करता है वो तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही आ जाएगा. Yes, sir. तो फिर कोई टॉर्क ही क्रिएट नहीं होगी किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, क्या कोई टॉर्क क्रिएट होगा? No. इसीलिए कह रहा था कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होना चाहिए वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करना चाहिए. तो उस केस में क्योंकि टॉर्क नहीं आएगा तो वापस कौन लाएगा उसको? तो वापस आएगा क्या कभी? नहीं. और अगर वापस नहीं आएगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट. अब इस फॉर्मूले से भी देखो, अगर एल की वैल्यू मैंने जीरो डाल दी तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा. यस सर. ठीक है, अब आप क्या करो, एल को इंक्रीज करते चले जाओ. बट मान लो कि अगर मैंने एल की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लिया, बहुत बढ़िया है, तो अगर 1/ बहुत बड़ा क्वांटिटी करेंगे तो जीरो हो जाएगा. बट एल एडेड भी तो है तो उसका तो इनफाइनाइट फिर से आ जाएगा. एल अगर जीरो है तो भी इनफाइनाइट है, और अगर एल इनफाइनाइट है तो भी इनफाइनाइट है टाइम पीरियड. यही तो मतलब निकला. यस सर. अगर इनफिनिटी से इनफिनिटी वेरी कर रही है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो मिनिमम आया होगा. है ना, समझ आ रही है आपको? यस सर. निकालना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट एन इक्वल टू जीरो, दैट्स इट. तो फॉर टीएमएल अगर चाहिए, फॉर टीएमएल मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए, तो आपको क्या करना है? dt by dl equal to 0 कर लेना है, और इसको differentiate करोगे तो आएगा k square into minus 1 by l square plus 1 equal to 0. इसका मतलब l की जो value आ रही है, this is coming out to be plus minus k आ रही है. मतलब radius of gyration वाला distance से ही आप दूर लेके आप उसको you know fix कर दो, तो उस केस में वो oscillate कर सकता है same time period, minimum time period के साथ. ठीक है, और मिनिमम टाइम पीरियड भी अगर निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो. तो मिनिमम जो टाइम पीरियड आ रही है, दिस कमिंग आउट टू बी 2 पाई रूट अंडर के डिवाइडेड बाय जी आ रही है. दिख रही है? दिख रही है आपको? यस सर. यस सर. ग्राफ प्लॉट कीजिए, ये टाइम पीरियड. ठीक है, देखो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो L मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे की तरफ लिया है. ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर की तरफ भी ले सकते थे, इसीलिए प्लस माइनस के साथ वैल्यू आया. प्लस मतलब नीचे की तरफ वाला, एंड माइनस अगर ऊपर की तरफ होगा तब. समझ आ रही है? यस सर. समझ आ रही है? तो इसीलिए प्लस माइनस का वैल्यू आया, तो इसीलिए प्लस माइनस में वो दिखा रहे हैं. तो नेचर जो ग्राफ का है वो तो ऐसे ही कुछ रहेगा, यहाँ पे जीरो पे इनफाइनाइट, एंड जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एल को एक पॉइंट पे मिनिमम आएगा, फिर वापस से ये इनफाइनाइट हो जाएगा. ऐसा ही कुछ देखा ना हमने नीचे, देखा है? नहीं. यस सर. बिल्कुल सेम रेप्लिका आपका कुछ इधर नेगेटिव वाले एक्सिस पे भी आएगा, मतलब एल की वैल्यू को उल्टा कर दो. समझ आएगी आपको? अगर आप देखोगे तो मिनिमम जहां पे टाइम पीरियड आ रही है, ये देखो मिनिमम टाइम पीरियड वाला है, ये आपका प्लस के और ये आपका माइनस के, आपका टी मिनिमम. अगर एक ही टाइम पीरियड पूछे कितने पोजीशन पे मिल सकता है आपको एक वर्टिकल लाइन पे, तो अगर आप देखोगे तो चार ऐसे पोजीशन हो सकते हैं, है ना? एक, दो, तीन एंड चार. दिख रहा है आपको? यस सर. सो एक ही वर्टिकल लाइन पे ऐसे चार पोजीशन हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ चार पोजीशन हो सकते हैं जहां पे टाइम पीरियड आपके सेम मिलेंगे. हो सकता है, होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो एक ऐसा डिस्टेंस दे दे जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बाहर निकल गया. अब ऑब्जेक्ट के बाहर निकल गया तो उसको कैसे वहां से सस्पेंड करेंगे? नहीं कर सकते ना. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? यस सर. इसलिए ऐसा अगर कोई बोले कि कितना ऐसा पोजीशन हो सकता है जहां पे आपकी टाइम पीरियड जो है वो सेम मिलेगी एक ही वर्टिकल लाइन पे, तो ऐसे चार पोजीशन हो सकते हैं, हो सकते हैं, होंगे, ये नहीं बोल रहा. ठीक है, ओके. अब इसके एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ.
उनको आप याद रखना, आप डिराइव नहीं करेंगे इन सब रिजल्ट्स को, ठीक है? आपको सीधे से फॉर्मूला लगा लेना है. ये देखो, ये टी शेप का रॉड बना दिया हमने, ये भी मास एम और लेंथ एल का है, और ये भी मास एम और लेंथ एल का है, ठीक है? और इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ने पूछ लिया. कोनिकल पेंडुलम में ये तो शेयर हो गया ना, कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब कोनिकल पेंडुलम का, ये समझ आ रही है? क्लियर है? तो टाइम पीरियड के लिए हमें, अच्छा पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेना है. अच्छा एक काम करते हैं, मास को नीचे वाले का मास को ना 2m कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास में भी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको. देखो ऊपर वाले मास का सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है बीचों बीच में लाई करेगा, नीचे वाले का भी सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच लाई करेगा. और सेंटर ऑफ मास कॉम्बाइंड मास सिस्टम का हेवियर मास की तरफ शिफ्टेड होता है ना? ये वाले डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ये m by 3m into l by 2 होना चाहिए. Yes sir. By 3m into l by 2. तो कितना आ रहा है ये? L by 6. तो ऊपर से कितना हो गया? 5l by 6. हुआ ना? Yes sir. Time period of oscillation क्या लिखेंगे? 2 pi root under moment of inertia about axis of rotation. Moment of inertia मतलब ml square by 3 plus m 2m into l square by 12 plus l square. देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन समझ आ गया आपको? यस सर. डिवाइड बाय mgl करना होता है, तो m कितना है यहाँ पे? 3m है ना? g into 5l by 6. देखो आपको समझ आ गया? समझ आ गया सभी को? यस सर. हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम कवर अप कर लिया था, अभी हम लोग नेक्स्ट पेंडुलम पे शिफ्ट मूव करते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम पे. स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम का मतलब है कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? तो मैं एक सबसे कॉमन सा केस जो है वो लेके चल रहा हूँ. लेट अस से यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इसकी मास m, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k. ये सरफेस हमारा स्मूथ है और ब्लॉक अभी अपने नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे है. और हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स. ब्लॉक की अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, दिस इज वेलोसिटी जीरो एंड दिस इज टी इक्वल टू जीरो का सिचुएशन, ठीक है? अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला चीज SHM में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन कहाँ है. मीन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होती है. तो पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? मीन पोजीशन. तो मान लेते हैं कि हमारा मीन पोजीशन जो है वो यहाँ पे कहीं है. दिस इज द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन मतलब फोर्सेज बैलेंस होने चाहिए. फोर्सेज बैलेंस मतलब राइट की तरफ का फोर्स एफ एंड लेफ्ट की तरफ का फोर्स, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स ई, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन के लिए एक्स ई. तो इधर से फोर्स आएगी के एक्स ई. तो सिंस ये मीन पोजीशन है तो यहाँ से हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं. तो एफ की वैल्यू को के एक्स ई से मैच कराएंगे, ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ से आपको एक्स ई की वैल्यू मिल गई है, दैट इज एफ बाई के. अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम सेपरेशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो. तो ये लड़ से कि अब हमने इसको इक्विलिब्रियम सेपरेशन से फर्दर डिस्प्लेस किया बाय डिस्टेंस x. तो इस डिस्प्लेस पोजीशन पे अब मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगी दैट हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू x, करेक्ट? यस सर. ये मास m, तो अभी जो इस पे फोर्स आएगी, स्प्रिंग फोर्स जो आएगी, दैट विल बी k टाइम्स ऑफ x प्लस xe हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल एलोंगेशन तो x प्लस xe का हो गया है. दिख रहा है आपको? हां यस सर. और राइट की तरफ आपका जो फोर्स है दैट इज f,
तो नेट फोर्स आप देखोगे तो xe के से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया kx का, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो डेफिनेटली आपकी लेफ्ट की तरफ आएगी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन से राइट की तरफ है जबकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही यहाँ पे। तो यहां से अब हम लिखेंगे, तो यहां से हम श्योर होकर लिख सकते हैं कि k टाइम्स ऑफ x प्लस xe माइनस ऑफ f दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और के एक्स ई और एफ तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो एम ए का वैल्यू के एक्स आ रहा है ना, राइट? तो यहां से आप देखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू के बाई एम इंटू एक्स लिख लिया, और ये तो एस एच एम का कंडीशन आ गया ना कंडीशन एस एच एम का, ये जो है ये क्वांटिटी ये क्या जाएगी ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। समझ आई सभी को? यस सर। यहाँ पे क्या चीज अच्छी चीज है जो दिख रही है? सबसे पहली चीज कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? कोई भी कांस्टेंट फोर्स आप अगर इस स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम पे लगाते हो तो वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ एक चीज है जो वो कंट्रोल कर सकता है, और वो क्या है? मीन पोजिशन का लोकेशन। क्योंकि मीन पोजीशन का लोकेशन जो दिखा रखा है आपने एक्स ई का वैल्यू देखो वो क्या है एफ बाई के है, तो आप फोर्स को जितना बड़ा रखोगे मीन पोजीशन उतना ही ज्यादा दूर आएगा, ठीक है? इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक्स ई जो है ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी है, क्योंकि एक एक्सट्रीम एंड से मीन पोजीशन का जो सेपरेशन होता है वही एम्पलीट्यूड होता है या नहीं? तो एम्पलीट्यूड ही बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स ई ओनली, करेक्ट है? है ना? Yes, sir. आपको याद है ये वाला केस? ये वाला केस जो है ये मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में कराया था, याद है मैक्सिमम इलॉन्गेशन वगैरह निकालने का केस, याद है आपको? मैक्सिमम इलॉन्गेशन आती थी 2f by k, मैक्सिमम वेलोसिटी f by root under mk, याद है आपको? तो ये एक्चुअली SHM का क्वेश्चन है, तो SHM का अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो अब आपका काम और भी आसान हो गया, क्योंकि आपको पता ही है SHM करता है, तो SHM करता है तो मीन पोजीशन से जितना दूर ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम से और फर्दर आगे उतना ही दूर जाएगा। तो मीन पोजीशन अगर है f by k पे तो फिर नेचुरल लेंथ मतलब कि एक एक्सट्रीम एंड से दूसरे एक्सट्रीम एंड का डिस्टेंस कितना हो गया? डबल हुआ है नहीं है, ट्वाइस ही हो जाएगा, राइट? यस सर। यस, मतलब 2f by k हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम बताते हैं मीन पोजीशन पे होती है, जो वी मैक्स हम दिखाते हैं मतलब मीन पोजीशन पे, ये वी मैक्स निकालने का तरीका मैंने जो पहले किया था वो वर्क एनर्जी थ्योरम किया था। यहाँ पे एक आसान तरीका भी है, वी मैक्स को हम कैसे लिखते हैं, याद है आपको? ओमेगा इनटू ए लिखते हैं ना एसएचएम में। यस सर। यस सर। ओमेगा कितनी निकाली हमने देखो तो रूट अंडर के बाय एम। यस सर। और एम्पलीट्यूड कितना निकाला है? एफ बाय के। देखो ये कितना है? एफ बाय रूट अंडर एम के, दिख रही है आपको? यस सर। वहां पे मैंने थोड़ा मेहनत करके निकाला था, वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था, बट यहाँ पे कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा, रिजल्ट पता था जल्दी से लिख दिया। ये जी पे डिपेंडेंट नहीं है, दिख रहे आपको? दिख रहा है? Yes, sir. जी से कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई कांस्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, जी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम को जी से लेना देना था, याद है आपको? 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल कंपाउंड पेंडुलम में, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी सिंपल पेंडुलम में, तो इसका मतलब जी के साथ इनवर्स रिलेशन तो दिखता है ना, जी बढ़ेगा तो आपका टाइम पीरियड घटेगा, बट यहाँ पे इसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम वहां पे अगर इमेजिन करो कि सिंपल पेंडुलम हो या कंपाउंड पेंडुलम हो, अगर उसको सैटेलाइट में लेके चले जाए तो क्या वो वर्क करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जी इफेक्टिव जीरो है, राइट? जी इफेक्टिव है ही नहीं वहां पे, तो जी इफेक्टिव जीरो हो गया, बट कंपाउंड पेंडुलम डेफिनेटली बट ये स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको जी से कोई लेने देना ही नहीं है। तो इसीलिए अगर सोचो कि अगर मैं बोलूं कि एक क्लॉक है जो पेंडुलम बेस्ड है और एक क्लॉक है जो स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम बेस्ड है, मतलब सिंपल पेंडुलम बेस्ड और स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम बेस्ड, तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाए? कौन सा ज्यादा? स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम। स्प्रिंग ब्लॉक। तो जी से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को मैं जल्दी मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। The time period is independent of the applied constant force. The applied
constant force is only capable of changing the mean position. Mean position's location. And hence the amplitude. Of oscillation. The time period is independent of G. Hence, changing location won't affect its time period. एक और चीज अगर आप देखें तो स्प्रिंग फोर्स का जो चेंज आया था अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो फोर्स था सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो स्प्रिंग फोर्स था वो kxc था और जो डिस्प्लेस पोजीशन पे जो फोर्स था वो kx प्लस kxc था तो जो चेंज ऑफ फोर्स हुआ था वो कितना हुआ था kx का ही तो हुआ था ना Yes, sir. है ना तो जो चेंज ऑफ फोर्स होता है बस वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब आप नया डिस्प्लेस पोजीशन लेते हो तो जो चेंज ऑफ फोर्स दिखता है ऑब्जेक्ट पे वही उसका रिस्टोरिंग फोर्स होता है तो इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है आपको आप बस ये देखो कि जब आपने डिस्प्लेस किया तो वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना जनरेट हुआ तो डायग्राम देख के ही तो आपको समझ आ रहा है कि वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स कितने का है सिंपली kx का है तो kxc अगर एक्स्ट्रा फोर्स है तो वही रिस्टोरिंग फोर्स हो गया क्या आपको बात समझ आ रही है ठीक है ये इस को जल्दी जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इसका ध्यान रखना इन ऑल ऑसिलेटिंग सिस्टम्स आफ्टर डिस्प्लेसिंग the object with respect to mean position we just need to see the change in force with respect to the initial equilibrium position This change in force is the restoring force. ठीक है सर I have a question, sir. বলছিলাম কি স্যার এই যে মানে স্প্রিং ব্লক সিস্টেমটাকে যদি ভার্টিক্যাল পজিশনে হ্যাং করে দেওয়া হয় তাহলে কি স্যার জি ফ্যাক্টর চলে আসবে মানে mg equals to kx তখন बेवकूफ लड़के हो mg इक्वल टू kxe लिखोगे इक्विलिब्रियम सेपरेशन के फिर इक्विलिब्रियम से फर्दर डिस्प्लेस करोगे तो फिर वैसे ही जैसे यहां पे ये जैसे जैसे यहां पे ये f लग रहा है एक्स्ट्रा फोर्स क्या लिखोगे k mg वापस हो जाएगा एक्स्ट्रा फोर्स कैसा ही मिलेगा राइट सर वॉइस तो सुना जाते ना क्रैक करे गेलो No, sir. There is still disturbance. Still disturbance? Yes, sir. So nothing is audible. Nothing is audible. No, sir.
हाँ जब बोल रहा था जब मैं आपको बेसिकली गाली दे रहा था तभी आवाज चली गई थी. ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है, इस अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कुछ भी ले सकते हैं आप. mg is also a constant force. So, अगर आप उसको mg से रिप्लेस करते हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता. इक्विलिब्रियम पोजीशन का लोकेशन को कंट्रोल करेगा, कहाँ पे आएगा. तो ये अगर मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन आप इसको कह रहे हो, यहाँ पे mg नीचे की तरफ है, इक्विलिब्रियम में kxe, xe being this distance, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो mg becomes equal to kxe लिखेंगे आप. उसके बाद आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर इसको x से डिस्प्लेस करोगे तो ये इसका नया पोजीशन होगा. इस नए पोजीशन पे जो फोर्स इस पे लगेगी दैट विल बी k टाइम्स ऑफ x प्लस xe. नीचे की तरफ mg लग रही है तो एक्स्ट्रा फोर्स कितने का हुआ, kx. Yes. वो फोर्स रिस्टोरिंग होगा जो आएगी ax plus xe minus of mg divided by m, so this becomes kx by m. That's it. तुमको हर बार ये काम करते, कोई भी कांस्टेंट फोर्स हो, कोई भी कांस्टेंट फोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की लोकेशन को चेंज करे. सर बहुत डिस्टरबेंस है. हाँ सर बहुत डिस्टरबेंस है. कुछ सर आपका आवाज बहुत कट रही है. सर कुछ नहीं सुनाई रहे हैं. He understood that, but his voice is still coming. मेरी आवाज. हाँ सर आ रहा है आवाज. Can you please confirm the quality of sound now? Yes, sir. Yes, now sir. It is okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I was saying is कि आप कोई भी constant force को consider करते हो, उसका value आप कुछ भी लिखो, F लिखो, mg लिखो, कुछ भी लिखो, उससे time period of oscillation effect नहीं होता है. तो आपको अगर हर बार इसको derive करके confirm करना है तो आप derive करते रहिए, अपना time ही waste करेंगे. जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे derive करके, आपको ये derive नहीं करना है. आपको ये हर बार एक ध्यान रखना है कि कोई भी constant force उसके time period of oscillation को affect नहीं कर सकता है. क्या आपको बात समझ आ रही है शोहम? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो आप ये डिराइव नहीं करेंगे, आपको ये ध्यान रखनी है. ठीक है सर. ठीक है. तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहेंगे जो कि तुमको लगेगा कि हाँ यू नो अफेक्ट करेगा. जैसे यहाँ पे
इस बार इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, तो इस बार वो कॉन्स्टेंट फोर्स कितना आएगा? mg sin थीटा? यस सर, यस सर, दिस इज mg sin थीटा। सो यही वो इक्विवेलेंट फोर्स हो गया आपके लिए, ये हां ये वो फोर्स हो गया। नाउ दिस कैन नॉट अफेक्ट द टाइम पोजीशन ऑफ इंक्विजिशन प्रतिक्रिया 2 पाई रूट अंडर m / k ही लिखोगे। समझ आ रही है आपको? यस सर, ठीक है। हाँ, बट m by k को आप यहाँ पे m by k को वो कई बार आपको इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, जैसे अगर यहाँ देखोगे आप तो ये mg equal to kxc जो लिखा हुआ है, mg equal to kxc जो लिखा हुआ है, तो m by k की वैल्यू को क्या हम यहाँ पे x by g by g लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, x by g नहीं है, xc by g है, equilibrium separation by g है ना। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि हाँ, इक्विलिब्रियम पे ऑब्जेक्ट जो है दैट इज सस्पेंडेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ से कुछ भी एक वैल्यू दे दिया मैंने आपको 2 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? तो 2 सेंटीमीटर बाय जी करोगे तो उससे अपने आप ही आपको एम बाई के का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप वहाँ पे, तो इसी की वैल्यू को आप जो यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को जो आप लिख रहे हो 2π√ एम बाई के, इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो दिस इज 2 पाई रूट अंडर एक्स ई बाई जी, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये तो जी पे डिपेंडेंट हो गया, जी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स ई खुद जी पे डिपेंडेंट है, तो एक्स ई बाई जी का रेशियो जो होगा वो क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑफ जी रहेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो है जो स्प्रिंग कांस्टेंट होती है एक स्प्रिंग की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है स्प्रिंग फोर्स जब पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में, तब भी बताया था, बट यहाँ पे इनका एप्लीकेशन ज्यादा आपको मिलेगा। सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। अब इसको यूज करके कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के कांस्टेंट के है मान लो, ठीक है, और नेचुरल लेंथ इसकी एल है। इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, जैसे वी ब्रेक इट इनटू टू पार्ट, ये मान लेते हैं के वन का है और इसका लेंथ एल वन है और इसका के टू और इसका लेंथ एल टू है। तो आपको अगर के वन के टू पूछा है कितनी होगी, तो के वन के टू निकाल सकते हैं आप कैसे, इनवर्स रिलेशन यूज करके। तो k1 by k should be actually equal to l by l1, इसका मतलब k1 की वैल्यू becomes l by l1 of k। सिमिलरली अगर आप k2 निकालोगे तो that will be l by l2 into k, और उसके अकॉर्डिंगली आप जिस भी ब्लॉक जिस भी स्प्रिंग से कनेक्ट कर दोगे उसके अकॉर्डिंगली उसका SHM का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। समझ आ रही है आपको? यस सर, समझ आ रही है। ओके, यस सर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, वो दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक एंड आपका फिक्स रखो और इनको एंड टू एंड कनेक्ट करो, तो एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो दिस इज से K1 का स्प्रिंग एंड दिस इज K2 का स्प्रिंग, एंड टू एंड कनेक्शन, दिस इज एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब इससे अगर आप इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालोगे तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो इनवर्स K करके निकालते हैं, या डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे अगर इमेजिन करो कि यहां से हमने इसको खींच रखा है बाय फोर्स F, ठीक है, इसको फोर्स F से खींच रखा है, तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आई है, मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आई है x1 की, इलोंगेशन इज x1 एंड इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आई है लेट अस से दैट इज इक्वल टू x2, तो टोटल इलोंगेशन कितना आया, x1 plus x2? हाँ सर, तो टोटल इलोंगेशन दैट बिकम्स x1 plus x2, ठीक है। एक चीज देखो, सिंस ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये एक स्ट्रिंग की तरह ही है, दिस इज लाइक अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करते हो और वो मासलेस स्ट्रिंग होता है तो उसमें स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है ना, आप टेंशन की जो एक एंड पे दिखाते हैं दूसरे एंड पे वही टेंशन दिखाते हैं, तो सेम लॉजिक यहां पे भी होगा। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर आप डालेंगे तो kx की वैल्यू
की वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो अब ये एक इक्वेशन है कि नेट इलॉन्गेशन जो है वो आपका x1 plus x2 है. तो अब अगर ये f की वैल्यू को लिखे तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी k इक्विवेलेंट इनटू x1 plus x2. लिख सकते हैं क्या इसको, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. Yes, और sir. इसको सोचो, इसको अगर यहां से लिखें तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज k एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज k2 x2 आल्सो, राइट? यस सर. तो अगर आप देखोगे तो x यहाँ पे इसको अगर ऐसे लिखें कि k equivalent into x1 and x2 की वैल्यू को in terms of x1 ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा k1 x1 by k2 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स k equivalent into k1 plus k2 divided by k2 and into x1. दिख रही है आपको? Yes sir. Yes sir. And this can be written as k1 x1 also. So x1 gets cancelled out. देखो यहाँ से. And what you're getting is k equivalent is k1 k2 divided by k1 plus k2, which can also be written as 1 by k equivalent is 1 by k1 plus 1 by k2. आपको डेरिवेशन भूल जाओ, आपका कोई काम का नहीं डेरिवेशन. बस इतना याद रखो कि जब आपके सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इनवर्स करके आप ऐड करते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. ठीक है, याद रहेगा ये आपको? यस सर. ठीक है, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे. पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कुछ ऐसा होगा जहां पे ये स्प्रिंग एक एंड दूसरा स्प्रिंग ऐसा, तो दोनों स्प्रिंग के जो एंड्स होंगे वो एक ही ब्लॉक से कनेक्टेड होने चाहिए. दिख रहा है आपको? हाँ. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर सोचोगे, जैसे इसमें सोच के देखो, यहाँ पे दोनों का एंड आपस में जुड़ा हुआ होता था सीरीज में, बट यहाँ पे दोनों का एंड आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, देखो ब्लॉक से जुड़ा हुआ है. दिख रहा है आपको? दिख रही है आपको? और उसके बाद फिर आप इसको खींच के बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट कर. क्या बात आ जा रही है आपको? यस सर. यस सर. इस बार अगर आप देखोगे तो दोनों में इलॉन्गेशन सेम आएगा. पिछली बार इलॉन्गेशन दोनों में सेम नहीं था. पिछली बार क्या था, दोनों का स्प्रिंग फोर्स सेम था. ये k1 x1 अगर इक्वल टू k2 x2 किया हमने तो क्यों किया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स सेम होना चाहिए. स्प्रिंग फोर्स सेम होगा बिल्कुल स्ट्रिंग से कंपेयर करके, ठीक है. और यहाँ पे इलॉन्गेशन सेम होगा कि आप अगर इसको खींच रहे हो तो इसमें इलॉन्गेशन अगर पहले वाले ऊपर वाले जितना इलॉन्गेट करेगा नीचे वाला भी तो सेम अमाउंट से इलॉन्गेट करेगा, करेगा नहीं? सोचो तुमने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेच हो गया है, तो इधर से जितना भी इलॉन्गेशन आया है, ये सोचो अगर इसको x मानते हो तो इलॉन्गेशन दोनों में तो सेम ही आया ना. तो जो नेट फोर्स अगर लिखोगे तो कितने लिखोगे आप, इक्विलिब्रियम के लिए अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, k1 plus k2 into x लिखोगे या नहीं लिखोगे ना, क्योंकि दोनों खींच रहा होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितनी होगी, इसको अगर k इक्विवेलेंट into x लिखे तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, k1 plus k2. plus k2. तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें आपकी k इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको k1 plus k, सॉरी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को आपको k1 plus k2 लेना है, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें वन इनवर्स करके ऐड करना है. ठीक है, ध्यान रहेगा आपको? यस सर. ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि दो जो दो एंड ऑफ स्प्रिंग है वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए. ठीक है, ठीक है, वो लोग एक ही ब्लॉक से कनेक्टेड होंगे. द एंड्स ऑफ स्प्रिंग will not be connected together, will not be connected together, it will be, the thing will not be connected together, it will be connected to same block. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. अब जैसे इसके एप्लीकेशन सबसे दिखाता हूँ पहले. जैसे इमेजिन करो कि ऐसा सिचुएशन दे रखा आपको,
is K1, this is K. इसके लिए अगर ऑसिलेशन टाइम ऑसिलेशन निकाले K पहले निकालना पड़ेगा आपको. पहले सोचो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल है. पैरेलल पैरेलल दिख रहा है ना आपको? यस सर. ठीक है, जैसे इधर पुश करोगे आप तो देखो राइट वाला ब्लॉक जो है, राइट वाला स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस K1 plus K2 ही होगी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. कुछ सुनाई नहीं दे रही. कुछ सुनाई नहीं दे रहा. हाँ सर कुछ सुनाई नहीं दे रही है. I think screen is also froze. Yes. Screen froze. Now it is coming, but the voice was not clear that time. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. रुक है मुझे क्या करूं? चलो भी आगे बढ़ते. चलेगा ना या नहीं चलेगा? चलेगा क्लास या नहीं चलेगा? Yes, sir. चलेगा. Yes, sir. ठीक है. अगर अनमैनेजेबल हो तो बता देना. ठीक है. okay, अगर ये मान लो आपका 2K का है, दिस इज K एंड दिस इज 6K. इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है कितना आएगा. देखो 2K is in parallel with K and this combination is in series with 6K, yeah, yeah, right? So 2K in parallel with K becomes 3K, so 3K in series with 6K, so this becomes 3K in 6K divided by 9K, which is basically 2K. So therefore time period of oscillation becomes 2 pi root under m by 2. समझ आई? Yes, sir. Yes, this length is L, यहाँ mass m का जिसको velocity हमने v naught देके छोड़ दिया है, ये पूरा का पूरा surface हमारा smooth दे रखा है. They've asked us find time period of oscillation कितना होगा and दूसरा maximum compression in spring कितनी होगी. तो देखो इसमें ये बेसिकली दो पार्ट में मोशन को स्प्लिट कर सकते हैं हम. एक पार्ट जब वो स्प्रिंग से कनेक्ट होके उससे कंप्रेस करके वापस से डीकंप्रेस करके उससे डिटैच हो जाएगा और उसके बाद फिर ये उस मतलब स्मूथ सरफेस पे बिना स्प्रिंग से कनेक्ट हुए मूव कर रहा होगा. तो जब वो स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है तब तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, है या नहीं है? Yes, sir. तो कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर आप देखोगे तो उसको जाना है एल डिस्टेंस और आना भी है एल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो कोलिजन का नेचर है इलास्टिक कोलिजन है. ठीक है, ये आप मान के चलना कि इलास्टिक कोलिजन गिवन, इलास्टिक कोलिजन विद वॉल. तो इस केस में जाएगा वी नॉट स्पीड से तो आएगा भी वी नॉट स्पीड से, है ना? Yes, तो ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं. एक है जो SHM वाला टाइम पीरियड होगा, मतलब SHM मतलब जब वो स्प्रिंग से कंप्रेस होके फिर डीकंप्रेस होगा, और दूसरा पार्ट है जब वो बिना स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ L लेंथ वाले ट्रैक पे मूव कर रहा होगा. तो SHM में सिर्फ कंप्रेस करके डीकंप्रेस कर रहा है, तो हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM लिखना होगा ना,
तो DSHM में मतलब पूरा पूरा टाइम पीरियड नहीं लिखना है, उस SHM का जो नॉर्मल टाइम पीरियड लिखते थे उसका हाफ लिखना है, समझ आ रही है आपको? क्योंकि कंप्रेस करके डीकंप्रेस करेगा बट इलोंगेट तो नहीं कर रहा है ना उसको, इलोंगेट कर रहा है। लिखेंगे हम हाफ ऑफ 2 पाई रूट अंडर m / k लिखेंगे इसको, एंड प्लस यूनिफॉर्म मोशन में जाना है l डिस्टेंस, आना है l डिस्टेंस, तो 12 ट्रैवल करना है v नॉट, 12 / v नॉट, समझ आई सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये निकलेगा, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट से इनको यूज करनी है। मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ केक्स स्क्वायर, ये एक यूज कर सकते थे, या फिर दूसरा एक और यूज कर सकते थे, वो क्या है? अगर सोचो ये ब्लॉक अभी स्प्रिंग को हिट करता है, ये ब्लॉक आया और इसको हिट किया वी नॉट स्पीड से, अब यही उसका देखो नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ जो है वही उसका मीन पोजिशन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई फोर्स नहीं है, अगर यही मीन पोजिशन है इसका मतलब क्या है कि ये उसके लिए अब मीन पोजिशन है, तो मैक्सिमम जहां पे कॉम्प्रेशन आएगा वो एक एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो क्या इसको हम एम्पलीट्यूड की तरह सोच सकते हैं? ये वाला डिस्टेंस जो है देखो, क्या ये एम्पलीट्यूड है उसका एक हाफ का? यस सर। और अगर ये एम्पलीट्यूड है तो वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा ही लिखते हैं या नहीं लिखते? लिखते हैं। यस सर। तो यहाँ हम लिख सकते थे ना वी मैक्स की वैल्यू विल बी ओमेगा इनटू ए, और ये ए ही क्या है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है, तो एक लाइन में मिल गया मुझे। हाँ आप वो भी कर सकते हैं, the voice is cutting. Yes sir, voice cut rahi hai. Should we suspend the class or what? Should we suspend the class? No, sir. No, sir. If it's manageable, so we can continue. If it is not at all manageable, then we can drop it. This Sunday itself I'll be returning back to Kolkata. So आपका क्लास शाम में नहीं, उस दिन रात में लूंगा मैं, क्योंकि 8 घंटे तो ड्राइव ही करके आऊंगा, 8 घंटे से 9 घंटे ऑलमोस्ट लगेंगे ड्राइव करने में मुझे। So I'll drive and then return by evening, and then थोड़ा सा रेस्ट करके 2-3 I'll be able to take class. So आप Sunday को hopefully I'm in shape. Now the question says the block is pushed by distance and released. Fine. Time period of oscillation. Sir, screen lag कर रहा है. Screen lag. Sir, अभी voice का भी problem है, screen भी lag कर रहा है. Oh. क्या करें?
तो लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जब नेटवर्क खराब हो गया था. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है. एक ब्लॉक है स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड उसके दूसरी तरफ एक वॉल है. आपको ये दे रखा है कि ब्लॉक को हमने टुवर्ड्स राइट बाय डिस्टेंस 2x0 पुश किया एंड फिर छोड़ दिया है और लेफ्ट की तरफ वॉल से जो डिस्टेंस है उस ब्लॉक का वो आपका x0 है. आपको ये फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितनी होगी. ठीक है. इस क्वेश्चन को अगर हम सोचें ऐसे कि अगर ब्लॉक को हम राइट की तरफ 2x0 से पुश करके छोड़ते हैं तो फिर अगर लेफ्ट का वॉल नहीं होता तो लेफ्ट की तरफ भी वो 2x0 जाता या नहीं? Yes. जाता है नहीं? मीन पोजीशन से जितना आप राइट की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो जितना कॉम्प्रेशन आपने दिया है नेचुरल लेंथ पे आएगा तो वापस से वेलोसिटी गेन कर लेगा और उसके बाद फिर लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, स्प्रिंग को इलांगेट करेगा. तो इसका मतलब है वापस से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उतना ही इलांगेट करके जाता है ना. एनर्जी कंजर्वेशन से ही आप सोच सकते हैं या ऑसिलेशन से भी सोच सकते हैं कि मीन पोजीशन के जितना राइट होगा उतना ही तो लेफ्ट में भी जाएगा ना. ठीक है. तो अगर वॉल नहीं होता तो वो 2x0 जाता, बट वॉल होने की वजह से वो 2x0 नहीं जा पाएगा. तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा है जैसे अगर इसको फेजर डायग्राम में सोचें कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें. ये देखो यहां पे ये वॉल लगी हुई है और यहां से हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है इस एंड से. तो जब यहां से रिलीज करेंगे ऑब्जेक्ट को तो फिर इस केस में ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, वी मैक्स होगा. फिर वापस से इस एंड पे पहुंचेगा, जब ये इस एंड पे पहुंचेगा तो कोलिजन होगी और कोलिजन होने से सडनली पार्टिकल जो है वो इस एंड पे पहुंच जाएगा. होगा ना, दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये वाला मोशन अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो तो ये वाला जो मोशन है देखो ये हुआ ही नहीं, दिख रही है? Yes, है ना? Yes, sir. मतलब जाना और वापस आना ये वाले पार्ट का जिसको मैंने क्रॉस किया वो हुआ ही नहीं है. फेजर में भी सोचोगे तो फेजर में पार्टिकल जो है यहाँ पे जब ये पहुंचता तो यहाँ पहुंचने के बाद वो अचानक से देखो यहाँ पहुंच गया, अचानक से कोलिजन के तुरंत बाद उसने ये वाला पार्ट देखो फेजर में कवर अप ही नहीं किया, दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है ना, ये वाला पार्ट उसने कवर अप ही नहीं किया. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस मैंने 2x0 दिया था एम्पलीट्यूड और ये x0 था तो ये एंगल ऑब्वियस है ना 60 डिग्री है ये नहीं है, राइट? सो रिपीट प्लीज, योर वॉइस गॉट कट ऑफ एंड द स्क्रीन Screen is lagging. Yes, sir. ओहो, अभी फिर से प्रॉब्लम है. Okay, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टिकल है जो अपना फेजर डायग्राम में जो मैंने शो किया है वो मैंने जो लेफ्ट पार्ट को जो मैंने सर्कल में क्रॉस किया हुआ है वो वाला पार्ट तो फेजर ने कंप्लीट ही नहीं किया है ना. Yes, sir. है ना, ठीक है. तो वो वाला पार्ट जब नहीं हुआ है तो वो वाला पार्ट का आपको मतलब टाइम निकालने के लिए आपको वो वाला पार्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि जितना एंगल कवर कर रहा है बस उसी का तो टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है. तो ज्योमेट्री से देख के हम ये तो कह सकते हैं कि एंगल 60 डिग्री है क्योंकि 2x0 और x0 को डिस्टेंसेस मैंने मार्क किया है तो cos थीटा का वैल्यू हाफ आ रहा है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो इधर से भी ये एंगल भी आपका 60 डिग्री है तो कितना पार्ट उसका कट ऑफ हो गया पूरे सर्कल का, 120 डिग्री कट ऑफ हो गया ना. देखो तो दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो उसको कवर कितना करना है, उसको कवर एक्चुअली कितना करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा है 240 डिग्री कवर करना है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. फेजर डायग्राम में 240 डिग्री कवर करने का मतलब हुआ 240 डिग्री कवर करना है. इसका मतलब क्या है, ये 2/3 ऑफ कंप्लीट सर्कल है, राइट? और 2/3 ऑफ कंप्लीट सर्कल मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा दैट विल बी 2/3 ऑफ जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला है. सो दिस विल बी 2/3 ऑफ 2π√m/k. समझ आई? हाँ सर. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर.
Yes, sir. Okay. Okay, chalo next question pe move karte hain. Sir, actually, the ideally, if the wall was absent, the amplitude should have been 2x naught, right? So, ideally. But because the wall is left, present, it's just... Mm-hmm. Left, it's just going x naught. Just because the wall is present, it's a 120 yes. degree cut over, right? So, you got the angle. Yes, sir, I understood. Thank you. Okay. Mm-hmm. Next question, dekho. The question says the block on left is pushed towards left by x1 and the right block is pushed towards right by x2 and both released simultaneously considering perfectly elastic collision between the two. Find time period of oscillation of system. Considering two cases. Number one, x1 is not equal to x2. And number two, x1 is equal to x2. ये दो पार्ट आपको find out करना है. मगर एक चीज देखो, जैसे अगर मैंने ये वाले ब्लॉक को लेफ्ट वाले ब्लॉक को अगर मैंने लेफ्ट पुश कर दिया x1 से और राइट वाले ब्लॉक को राइट पुश कर दिया बाय डिस्टेंस x2, तो अब तो दोनों सेपरेट हो गए ना, हो गए नहीं हो गए? यस सर. और सेपरेटेड है मतलब एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं है, राइट right? है ना? यस सर. इंडिपेंडेंटली वो लोग ऑसिलेट करते हैं तो उनका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है? 2 पाई रूट अंडर एम बाय के दोनों का. हां सर, क्योंकि दोनों का देखो स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही है, तो दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक ही होता. इसका मतलब एक्सट्रीम एंड से मीन पोजिशन आने का टाइम ये भी सेम होता. स्ट्रीम एंड से मीन पोजीशन आने का टाइम भी सेम होता एंड दैट वुड हैव बीन 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला, मतलब 2 पाई रूट अंडर एम एन 1/4 करते हैं, राइट? है ना? यस. ये टाइम को एम्पलीट्यूड से कोई लेने देना नहीं है. आप देखोगे अगर ये x1 और x2 जो है ये दोनों के क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन है. इसका मतलब ये बेसिकली एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहे हैं. तो M1 जो है वो लेफ्ट पुश हो गया X1 से, M2 मतलब जो राइट वाला ब्लॉक है वो राइट पुश हो गया X2 से, बट दोनों ही नेचुरल लेंथ पे जो आएंगे वो एक साथ आएंगे एंड दैट विल बी एट अ टाइम 1/4 ऑफ 2 पाई रूट अंडर M बाय के. यस सर. ये बात सब ठीक है? यस सर. अब जब ये लोग जब मीन पोजीशन पे एक साथ जरूर पहुंचेंगे बट दोनों का वेलोसिटी एक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दोनों का जो कंप्रेशन आपने किया वो अलग अलग किया है. ओमेगा दोनों का सेम है, रूट अंडर के बाय एम, बट दोनों के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो अलग है. ये जो वी मैक्स दोनों का आएगा वो तो अलग हो जाएगा, वी इक्वल टू ओमेगा ही होता है, तो ए डिफरेंट है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, बट दोनों पहुंचेंगे अपने नेचुरल लेंथ पे एक साथ ही. बट सिंस आइडेंटिकल मास है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, होगा नहीं? यस यस होगा. इसका मतलब लेफ्ट वाले ब्लॉक का वेलोसिटी राइट वाले को मिल जाएगा और राइट वाले ब्लॉक का वेलोसिटी लेफ्ट वाले को मिल जाएगा.
तो अब राइट वाला ब्लॉक जो कॉम्प्रेस करेगा वो अब x1 से कॉम्प्रेस करेगा और लेफ्ट वाला ब्लॉक जो कॉम्प्रेस करेगा वो अब x2 से कॉम्प्रेस करेगा, isn't it? Yes, sir. समझ आई आपको? Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार इसको दिखाता हूँ डायग्राम से, एक बार आप देखो इसको एनालाइज करो, ये पहला वाला पार्ट का कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये हमारा लेफ्ट ब्लॉक के लिए मैं जस्ट एक पॉइंट मास की तरह दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये नेचुरल लेंथ वाला लाइन मान लेते हैं, ठीक है? ये नेचुरल लेंथ वाली लाइन है, तो इसको हमने t इक्वल टू जीरो पे यहां से रिलीज किया, ये वाला डिस्टेंस हमने x1 मान रखा है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x1 एंड राइट वाले ब्लॉक को हम ज्यादा डिस्टेंस मान लेते हैं x2, ये यहां पे दिस इज t इक्वल टू जीरो। अब दोनों ही यहां से यहां पहुंचे, ये यहां पहुंच गया और ये भी आपका यहां पहुंच गया, दोनों एक साथ, बट इसकी जो वेलोसिटी होगी ये v1 और इसकी जो वेलोसिटी होगी ये v2, v2 will be omega into x2 and v1 will be omega into x1, तो इसके कलिशन के तुरंत बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे और वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया मतलब अब ये जाएगा v2 से, this will go with the velocity v2and this will go with the velocity v1, तो अब इसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा दैट विल ओनली बी एक्स वन और इसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा दैट विल बी एक्स टू, ठीक है? फिर वापस से ये लोग दोनों वापस आएंगे, फिर यहां पे पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी हो गया वी टू और ये भी इधर आया तो इसके पास वेलोसिटी हो गया वी वन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब वेलोसिटी फिर से एक्सचेंज हो जाएगा और फिर से एक्सचेंज हो गया मतलब यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी वी टू हो जाएगा और इसके पास वेलोसिटी वी वन हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉम्प्रेस करके आपका एक्स वन तक जाएगा एंड ये कॉम्प्रेस करके आपका एक्स टू तक जाएगा, समझ आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. समझ आई सभी को? देखो तो अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, नहीं हैज वन ऑसिलेशन बीन कंप्लीट? देखो जहां से स्टार्ट किया था, देखो जहां से स्टार्ट किया था देखो वहीं पहुंच चुका है। यस सर। यस सर। ये देखो जहां से स्टार्ट किया था देखो वहीं पहुंच चुका है, दिख रही है? यस सर। गेटिंग इट? यस सर। तो ये एक This is one oscillation is complete. और ये one oscillation अगर देखोगे चार quarter oscillation है, है ही नहीं है? One yes, quarter sir. plus one yes, quarter sir. plus one quarter plus one है ना? Yes, तो इसका मतलब जो time period of oscillation होगी, time period of oscillation जो होगी, that is four times of time period of SHM का, SHM का जो time period है उसका one fourth. समझ आ रही है आपको? ये four cancel out हो गया and simply two by root under m by k. समझ आई? यस सर। समझ आई सभी को? यस सर। सेकंड वाले पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में उसने ये दे रखा है कि x1 x2 सेम है, अब x1 x2 सेम होगा तो ऑब्वियसली v1 और v2 भी सेम होगा ओमेगा इनटू x, है ना? यस सर। यस सर। कोई नहीं, तो इस बार सोचो आपने यहां से रिलीज किया है, ये t इक्वल टू 0 का पोजीशन मार्क कर रहे हैं और दोनों को हमने सेम अमाउंट से कॉम्प्रेस कर रखा है, ये मान लेते हैं इधर से x से कॉम्प्रेस्ड है और ये भी आपका x से कॉम्प्रेस्ड है, तो दोनों ही जब अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी v, वही वेलोसिटी इसके पास भी होगी v, सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में, ऑब्वियसली डायरेक्शन तो दोनों का अलग है, तो इसके बाद एक्सचेंज भी हुआ तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ वेलोसिटी का? वेलोसिटी एक्सचेंज तो होगा डेफिनेटली, बट सिंस दोनों के पास वेलोसिटी सेम है तो इसके कोलिजन के बाद का वेलोसिटी भी सेम ही था मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए कंप्रेस करके कहां तक जाएगा? देखो यहीं तक पहुंच, उसके आगे तो नहीं जा सकता, समझ आ रही है? एक्स तक ही जाएगा, तो यहां तक पहुंचा फिर वापस आएगा, तो ये वाला पार्ट ही तो इस बार रिपीट होता रहेगा ना, होगा नहीं होगा? यही वाला पार्ट तो रिपीट होता रहेगा, इस बार अगर आप देखोगे, इस बार अगर आप देखोगे तो इसका चार क्वार्टर नहीं है, दो क्वार्टर में ही बेसिकली ऑसिलेशन कंप्लीट हो जा रहा है,
दिख रही है आपको? यस सर। है ना, दो बार देखो, डिक्लेरेशन कहां कंप्लीट मानोगे, यहीं पे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। है ना, तो इस बार टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी ट्वाइस ऑफ जो स्टैंडर्ड एसएचएम का टाइम पीरियड होगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 2 पाई इनटू द एम बाय क्यू रेगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। Sir, in the previous case, can you explain how the compression was changing? Sir, I understood the velocity is getting interchanged because it's elastic. Can you please repeat about how the compression was getting changed, sir, in the previous part, sir? अरे v की value तो omega x x है. V equal v two equal to omega x two. So if v is changing, so x is not changing over. It is, sir. It is. तो फिर क्या पूछ रहे? No, sir, I was asking how the compression, the compression will obviously get changed, sir, because the velocity is changing. I was asking how it was getting changed. I mean, I was asking what are the new values? Are they important? Wait, to x2, x1, interchange. Since velocity is interchanged, so compressions will be interchanged. Because pagal ho kya yaar, dikhta hai kya tumko values? Omega is same, so v2 is. Oh, no, I got it, sir. I got it, sir. Happy? I got it. Yes, sir. I understood. Thank you. A block of mass M is executing SHM of capital A, comma, capital T, comma, capital E energy, okay? Block of mass M is using a system of capital T, capital T, okay? On a horizontal platform. Horizontal platform. When it was crossing the mean position, block of mass M is gently dropped over capital M and it immediately sticks to it. Find the new amplitude and energy of SHM. Nya amplitude or nya energy aapko nikalne ka hai, kitna hoga? Dekho. Situation is like this. So, say this block is capital and this is crossing through mean position. So ye uska natural length hai, maan lete hain ye mean position hai. Obviously mean position se guzar raha hoga to uski velocity maximum rahi hogi, so this will have a maximum velocity and this maximum velocity will be omega into a. Theek hai na? Clear? Yes sir. Now you're dropping a mass m gently over it.
एंड उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये इमीडिएटली से स्टिक कर जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बाइंड मास सिस्टम जो है, कॉम्बाइंड मास सिस्टम देखो, स्मॉल एम और कैपिटल एम को मिला के जो सिस्टम बन रहा है, उन दोनों को मिला के अगर एक सिस्टम की तरह देखोगे तो कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मिलेगा. दिख रहा है आपको? वो दोनों चिपके हैं इंटरनल फोर्स की वजह से, जो भी उनके बीच में फ्रिक्शन होगा या एडहेसिव होगा, जो भी होगा, बट वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो इंटरनल फोर्स होगा. होगा या नहीं होगा? राइट? यस सर. यस सर. और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम तो सिस्टम का चेंज नहीं कर सकता. इसका मतलब अगर मैं जस्ट कोलिजन के तुरंत बाद, मतलब चिपकने के तुरंत बाद का सिनेरियो अगर दिखाऊं, तो चिपकने के तुरंत बाद का सिनेरियो क्या होना चाहिए कि यहां से ये मास कैपिटल एम और इसके ऊपर स्मॉल एम, ये दोनों चिपक गए. अभी भी तो ये नेचुरल लेंथ पे ही है ना ये, क्योंकि मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन पे तो ये इंपैक्ट हुआ है. यस सर. यस सर. राइट. तो अभी भी अगर हम सिनेरियो दिखाएंगे तो कुछ ऐसे दिखाएंगे आपके लिए कि ये नेचुरल लेंथ के पे ही है अभी, और इसका मतलब है कि ये तो अब ये कॉम्बाइंड मास सिस्टम की तरह हो गया. दिस इज अ कॉम्बाइंड मास सिस्टम नाउ. के चेंज नहीं किया, के पहले जितना था वही अभी भी के है, बट अब मास हैवी हो चुका है. तो ऑब्वियसली इसका जो वी मैक्स होगा वो यहीं पे होगा, बट वी मैक्स आपका चेंज रहेगा. वी मैक्स विल बी वी मैक्स डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डैश इनटू ए डैश. राइट. ओमेगा भी चेंज किया, क्यों? क्योंकि ओमेगा का वैल्यू के बाय एम होता है. मास तो बढ़ गया ना, दिख रहा है आपको? यस सर. तो मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका ओमेगा चेंज होगा आपका, एंड ओमेगा चेंज करेगा तो आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, क्योंकि अब मोमेंटम कंजर्वेशन से आपको फॉलो अप करना है. सो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कॉम्बाइंड मास सिस्टम, एफ एक्सटर्नल नेट ऑन कॉम्बाइंड मास सिस्टम इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर मोमेंटम इनिशियली विल बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनली. तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? कैपिटल एम इंटू ओमेगा इंटू ए, एंड बाद में कितना है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ओमेगा डैश इंटू ए डैश. बात समझ आई आपको? यस सर. समझ आई है सभी को? अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो. ओमेगा कितनी होती है? रूट अंडर के बाय ओमेगा होती है रूट अंडर के बाय एम. एम्पलीट्यूड ए है, ये एम प्लस एम. ओमेगा डैश विच इज रूट अंडर के बाय एम प्लस एम एंड ए डैश. That's it. So a dash की वैल्यू आपको मिल गई है. So a dash becomes root under k तो कट जाएगा यहाँ से, and a dash becomes this is root under m by m plus m and into a. ये हो गया आंसर. Got it? Yes sir. फिर yes sir. तो यहाँ से आपको अब a देखो, जब भी इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट किए सडनली, यू नो, जैसे कि किसी ने एक दूसरे को पकड़ लिया, जैसे एक कोई भाग रहा है और दूसरा अचानक से उससे आके चिपक गया, एड ऑन हो गया है, तो फिर इस केस में इम्पल्सिव फोर्सेस दोनों के बीच में एड करते हैं. और इम्पल्सिव फोर्सेस जब भी एड करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा ही लोगों का यहाँ पे, मतलब क्योंकि दोनों एक अकेला मूव कर रहा था, अब दोनों कंबाइंड होकर मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में इम्पल्सिव फोर्सेज आए हैं, तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि वो जो डिसिपेटिव फोर्स की तरह है वहां पे, वो जो भी उनके बीच का इंटरनल फोर्स है. तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? आप एनर्जी एसएचएम में जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना? इसी टर्म पे आते हो तो आपको हाफ के ए स्क्वायर लिखते हैं. जो एनर्जी ऑफ एसएचएम था वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था. इसी टर्म को हम हाफ के ए स्क्वायर की तरह भी लिखते हैं, याद है ना? तो तुम अगर देखोगे इस एक्सप्रेशन में तीनों वेरिएबल है ना, ऑल थ्री चेंजेस चेंज कर लिए ना तीनों, जब हम मास को ऐड. यस सर. एम भी चेंज हुआ, ओमेगा भी चेंज हुआ, ए भी चेंज हुआ, बट इस फैक्टर को देखो, सिर्फ ये चेंज हुआ, ओनली एम्पलीट्यूड चेंजेस, है ना? तो कौन सा रिलेशन से आसानी से मिलेगा मुझे? कौन सा? सेकंड वाला रिलेशन. ठीक है, सो ए डैश बाई ई निकालो, तो इसको क्या लिखना चाहिए? ए डैश बाई ए एंड इसका स्क्वायर लिखना चाहिए नहीं? So this becomes capital M by small m plus capital M, and therefore E dash becomes capital M by small m plus capital M and into E. Okay, answer. Got it? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसी क्वेश्चन में मान लो थोड़ा सा रीफ्रेज करें. मान लो कि ये अगर क्वेश्चन में बोला होता कि when the block was at extreme end of oscillation, जैसे इसमें mean position पे ये जब गुजर रहा था तब हमने drop किया था. मान लो इफ द ब्लॉक बीइंग ड्रॉप्ड
वॉज ड्रॉप्ड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ कैपिटल एम, तो फिर उस केस में अब नई एम्पलीट्यूड और नई एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती, तो अब अगर देखोगे तो वो ऑलरेडी अगर एक्सट्रीम एंड पे था, कैपिटल एम अगर ऑलरेडी एक्सट्रीम एंड पे था तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वहां पे जीरो था, और वेलोसिटी अगर जीरो है ऑलरेडी वहां पे तो मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद वो वेलोसिटी जीरो के बाद और थोड़ा कुछ थोड़ी ना चेंज होगा, क्या लिखोगे स्मॉल एम इंटू जीरो दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, सॉरी पहले कैपिटल एम था ना, कैपिटल एम इंटू जीरो दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी, तो वी तो जीरो ही आएगा ना आपका, आएगा नहीं? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इससे आपको एक चीज तो ये पता चलना चाहिए कि अभी भी ब्लॉक जो है वो अपना कॉम्बाइंड मास सिस्टम भी वो तो एक्सट्रीम एंड पे ही है ना, जब आपने वो जो कैपिटल एम एक्सट्रीम एंड पे था और उसी एक्सट्रीम एंड पे आपने स्मॉल एम को ड्रॉप किया तो अभी भी तो वो कॉम्बाइंड मास सिस्टम एक्सट्रीम एंड पे ही है, और एक्सट्रीम एंड पे अगर ऑलरेडी है तो वही तो एम्पलीट्यूड हो गया ना, तो क्या एम्पलीट्यूड चेंज हुई इस बार? No, sir. नहीं, तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुई है, और अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुई है तो क्या एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर चेंज होगा क्या? No, sir. समझ आएगी? तो इसको अगर आपने ड्रॉप किया होता एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन पे तो ना तो उसकी एम्पलीट्यूड चेंज होती ना तो उसकी एनर्जी चेंज होती, क्लियर है? इसको जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा. इफ एम वॉज ड्रॉप्ड एट एक्सट्रीम end of oscillation of capital M, then neither A nor E would change since velocity is zero at extreme end and hence the combined mass system would already be at extreme end the instant of dropping. I hope clear hai sabhi ko. Yes clear sir. ठीक है. Next एक और question देखें. Horizontal platform is executing vertical SHM of angular frequency omega and amplitude A. A block of mass m is placed over the platform. Find the maximum omega for which the block does not leave contact with platform. Question clear? Question clear? Yes, sir. ये एक प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड ये प्लेटफॉर्म को हमें वर्टिकल सिस्टम करवानी है, टोटल प्लेटफॉर्म में वर्टिकल सिस्टम करना है, तो ये एक एक्सट्रीम एंड एंड ये दूसरा एक्सट्रीम एंड मान लेते हैं. Let us say this is x equal to 0,
this is x equal to plus a and this is x equal to minus a. Clear है? ठीक है ना? समझ आया nomenclature समझ आ रही है? Yes sir. Okay. Mean position के जब वो नीचे की तरफ होगा तो restoring force ऊपर की तरफ होगा ना platform पे? है ना? Yes sir. Yes sir. Acceleration ऊपर की तरफ होगा और जब वो mean position के ऊपर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ होगा तो acceleration भी नीचे की तरफ होगा. Correct है? Yes sir. Yes sir. अब ये चेक करते हैं कि कांटेक्ट छूटने के चांसेस कहां पे हैं, नीचे में है या ऊपर में, मतलब मीन पोजीशन के नीचे की तरफ या मीन पोजीशन के ऊपर की तरफ. लेट अस से कि यहां पे हमारा वो ब्लॉक प्लेस्ड है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m. आप अपने फ्रेम को यहां पे फिक्स करो, ठीक है, अपने फ्रेम को यहां पे फिक्स करो. सो योर फ्रेम इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, राइट? यस सर. तो हमें इसमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. सूडो फोर्स, सूडो फोर्स किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है. So yes, mg is already downwards, mg is already downwards and the pseudo force which is ma is also downwards. So normal reaction ko to ye increase kar dega na, this normal reaction will definitely be greater than mg. Yes sir. Right, so matlab is pure half mein, is pure half mein kya contact chutne ki koi chances hai? No sir. No, so no chances of breaking contact. तो नीचे वाले हाफ में आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं कर सकता. अब ऊपर वाले हाफ कहते हैं, ये ब्लॉक मास है इनका, यहाँ पे ऑब्जर्वर. अब सूडो फोर्स कितना लगना है, ऊपर ना लगेगा ऊपर की. यस सर. एंड दैट विल बी एन ए एंड दिस इज एम जी डाउनवर्ड्स. अब खुद ही सोच के देखो, अगर एन ए एम जी से बड़ा हो गया तो इजन इट ऑब्वियस की नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा. yes, sir. ये जो नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन को सोचो, आपको अगर जीरो करना है, ये नॉर्मल रिएक्शन को अगर जीरो करना है, क्या बोलोगे? कि सूडो फोर्स को mg से बड़ा रखना है, isn't it? Yes, sir. इस पूरे हाफ में नॉर्मल रिएक्शन विल बी लेस देन mg. सो देयरफॉर देयर आर चांसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट फॉर सफिशियंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. है ना? गेटिंग इट? यस सर. सो इस हाफ में चांसेस of breaking contact in is high with increase in magnitude of pseudo force. Pseudo force. Clear hai? अब ये सोचो, pseudo force जहां सबसे ज्यादा होगा वो कौन सा होगा? Extreme end पे. क्यों? क्योंकि वहां पे acceleration भी maximum है ना. Right? Yes, sir. तो उसने क्या कह रखा था हमें, इट शुड नॉट लीव कॉन्टैक्ट. ध्यान रखना है, सही, कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक करानी है. तो कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक कराने का मतलब क्या है, mg को ma से बड़ा रखना पड़ेगा हमें, है ना? Yes, sir. Yes, yes, sir. Therefore, for not leaving contact, not leaving contact, mg should be greater than or equal to the pseudo force. Pseudo force which is ma, and therefore g should be greater than or equal to acceleration ka maximum value which is omega square a. Iska matlab g should be greater than or equal to omega square into a ho gaya. That's the condition. To ab omega puche ya amplitude puche, yahan se turant mil jayega na aapko. Ab yahan pe omega pucha tha, to omega ko kya bologe? Omega should be less than root under g by a, hai na? Agar amplitude puchta to amplitude kya bolte hain? Amplitude should be less than g by omega square. समझ आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. हाँ sir. Different different चीजें आपसे पूछ सकते हैं. ये contact नहीं छोड़ने का condition था. अगर contact छोड़ने का condition करते तो उल्टा लिखते आप. Pseudo force should be greater than mg. वो condition लिखते आप. है ना? Yes sir. Yes sir. ठीक है. Combined mass system
executes SHM of time period, SHM of capital A comma capital T, amplitude time period given. Find the maximum friction force between the blocks. Between the blocks. आप ये सोचो कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन ऑसिलेट करा रहा है. ऊपर सिंस कॉम्बाइन मास सिस्टम ऑसिलेट कर रही है तो ऊपर वाला ब्लॉक भी तो ऑसिलेट कर रहा है ना. यस सर. इसका मतलब उस पे भी वो रीस्टोरिंग फोर्सेस ऐड करने चाहिए एसएचएम वाले कंडीशन के लिए. हाँ सर. उस पे कौन से फोर्स है जो उसको ऑसिलेट कर रहा है. स्प्रिंग फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि जो स्प्रिंग है वो लोअर मास से कनेक्टेड है, वो अपर मास से कनेक्टेड नहीं है. सो स्प्रिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अपर मास ऑसिलेट. अपर मास को ऑसिलेट कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फ्रिक्शन. आपको समझ आ रही है. यस सर. फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिस्टोरिंग फोर्सेस टू एम. ये अपर ब्लॉक की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब ये सोच के देखो इसका मतलब ये कंक्लूजन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना कि फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पर ज्यादा होगी जहां पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यही फ्रिक्शन ही क्या कर रहा है उस मास m को एक्सेलरेट कर रहा है. तो f इक्वल टू m तो लिख ही सकते हैं ना, चाहे जहां पे भी हो लिख सकते हैं. नहीं. यस सर. यस सर. राइट. सो इसका मतलब है अगर अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसका मतलब यहां से हम डेफिनेटली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है ना. Yes, और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है. ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर. राइट. यस सर. यस सर. यस सर. तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई. एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए एंड देयरफॉर दिस बिकम्स एम इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई बाई टी एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे एंड इंटू ए कर लेंगे. या फिर अगर आपको और के वो भी लिख सकते हैं तो एम इंटू तो ओमेगा को रूट अंडर के बाई एम लिखते हैं तो के डिवाइडेड बाई एम प्लस एम एंड इंटू ए हो गया आंसर. समझ आई आपको. यस सर. यस सर. क्लियर है. यस सर. और ये इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे पूछे कि ब्लॉक जो ब्लॉक्स हैं उन दोनों के बीच का रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी वहां सबसे ज्यादा होगा जहां एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा. और एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, एक्सट्रीम एंड. तो ऑब्वियसली स्लिपिंग का टेंडेंसी वर्क सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन पे. समझ आई आपको. यस सर. यस सर. ठीक है भैया. रिड्यूस मास सिस्टम है. इसमें क्या होता है, दो ब्लॉक्स आपके एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड होंगे. ये मान लेते हैं M1 है और यहाँ पे M2 है और ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K है. इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम. अब इस टाइम पीरियड को कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसको फाइंड आउट करने का एक आसान तरीका ये है कि आप ये सोचो कि इफ एट ऑल अगर आप इनको ऑसिलेट कराते हो तो कैसे करोगे. देखो जैसे आप मान लेते हैं कि हमने इन दोनों ब्लॉक्स को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दे दिया. लेट अस से हमने M2 को डिस्प्लेस कर दिया इधर बाय डिस्टेंस X2 एंड ये यहां आ चुका है. ठीक है. दिस इज M2 क्वेश्चन. और हमने वैसे ही M1 को पुल किया इधर बाय डिस्टेंस X1 एंड फिर ये यहाँ चुका है M1 और अब दोनों को हमने रिलीज कर दिया. तो खींच के जब छोड़ा है और रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करने के बाद क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है इस सिस्टम पे, है क्या. नो सर.
No, sir. नहीं है ना, तो अगर रिलीज करने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर इस सिस्टम पे नहीं है तो इससे ये कंक्लूजन तो डेफिनेटली आप ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को आप एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं, है या नहीं? Yes, sir. और कंबाइंड मास सिस्टम, मास सिस्टम एफ नेट जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है ये आपका जीरो है, देयरफॉर COM विल रिमेन फिक्स्ड। मतलब इस कंबाइंड मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स रहेगा और उस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों ही ब्लॉक ऑसिलेट करते रहेंगे। तो इन दोनों कंबाइंड मास का सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है मान लेते कहीं यहाँ पे, लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ मास लोकेशन, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर इस तरफ का डिस्टेंस को हम लेट अस से ये डिस्टेंस को हम एल टू चूज कर लेते हैं और इस तरफ के डिस्टेंस को हम लोग एल वन चूज कर लेते हैं, ठीक है? दोनों तरफ के डिस्टेंसेस को मैंने अलग अलग चूज कर लिया, तो इसको क्या नेचुरल लेंथ के टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या? लेट्स से ये नेचुरल लेंथ जो है वो एल था, से दिस लेंथ वाज एल, तो एल वन की वैल्यू को हम क्या ये लिख सकते हैं, दिस विल बी एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इनटू एल, लिखा जा सकता है? यस सर। और एल टू को लिख सकते हैं एम वन बाय एम वन प्लस एम टू इनटू एल, लिख सकते हैं ना ऐसा, राइट? और अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे पास अब दो अलग अलग स्प्रिंग से दो अलग अलग ब्लॉक कनेक्टेड है क्योंकि दोनों तो इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास तो फिक्स्ड है और सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ दो अलग अलग ब्लॉक्स मुझे दिख रहे हैं। आपको समझ आया मैंने क्या किया है? Yes, sir. अब इसका स्टिफनेस कॉन्स्टेंट K1 हो गया और इसका कॉन्स्टेंट K2 हो गया क्योंकि दोनों का देखो लेंथ अलग अलग है ना, और आपको याद है कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होती है। Yes, sir. नेचुरल लेंथ छोटी हुई तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो बढ़ेगा ही, तो ये K1 और K2 की वैल्यू लिखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ L by L1 into K, ये तो लिखोगे। Yes, समझ आ गई आपको? Yes, समझ आ गई सब? Yes, sir. तो L by L1 की वैल्यू देखो, L by L1 की वैल्यू लिख रहे हैं, L by L1 देखो यहाँ पे इस डायग्राम में जाएगा आपको, L by L1 That is M1 plus M2 by M2. दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है? तो इसको लिखा हमने M1 plus M2 divided by M2 into K. Similarly, अगर यहाँ पे K2 निकालते हैं, तो इसको लिखते L by L2 into K. And that would have been M1 plus M2 divided by M1 into K. और अब time period of oscillation अगर T1 लिखोगे, left वाले block के लिए, तो क्या लिखोगे? 2 pi root under M1 by K1, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 pi root under mu by KR है, ध्यान से देखो। Similarly, T2 निकालो, जाएगा 2 pi under M2 by K, K2, and ये basically आएगा 2 pi root under mu by K फिर से। ध्यान से देखो, देखो क्या आ रहा है, क्या mu by K आ रहा है? Yes, sir. Mu मतलब additive mass, आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको याद रखनी है कि इस तरह का सिचुएशन जब भी हो, जब एक स्प्रिंग दो ब्लॉक कनेक्टेड है, एक दो ब्लॉक कनेक्टेड है और दोनों फ्लो मूव कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होना चाहिए जहाँ पे रिड्यूस मास आपकी है वो है M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 M2। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। अब ऐसे कुछ जैसे इमेजिन करो यहाँ पे घुमा फिरा के यू नो एक तरफ आ सकते हैं, बस थोड़ा सा डायग्राम दे देंगे और आपका वॉइस बहुत क्रैक कर रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस है, वॉइस क्रैक कर रही है।
बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह अब क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। वॉइस इज ब्रेकिंग ना, सीम्स यस बस सीम्स सो सेम सो माय वॉइस इज ब्रेकिंग सो So I thought there was something wrong with my internet and I was logging in and logging out. I'm sorry. Are there's a problem from with my internet also. I don't know. I mean, this the normal surfing and browsing is all okay. Or this is all okay. I mean, normal surfing browsing सब चल रहा है अच्छे से. But ये class लेने के लिए थोड़ी bandwidth थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है और उतनी availability mobile data में मुझे लगता है नहीं मिल रहा है. आप लोग इंडिविजुअली क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मुझे मेरा जो नेटवर्क होना चाहिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो घर में तो ब्रॉडबैंड से मिल जाना है। मैं जल्दी ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपना प्रीपोन कर लिया है। आई वाज प्लानिंग टू यू नो गो बाय संडे बट आई विल बी रिटर्निंग टू होम ऑन फ्राइडे इटसेल्फ। ये क्लासेस नहीं हो रहे इस वजह से, बहुत सारे क्लासेस अफेक्ट हो रहे, तो इसलिए फ्राइडे को ही मैं ट्रैवल बैक कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इतनी बातें जो मैंने बोली शायद यहाँ पे आपको नेटवर्क ठीक मिला हो। आपके पास आवाज ठीक पहुंच गई अभी? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा ओके, व्हाट टू डू, कैन नॉट डू एनीथिंग। So let me try one thing. How's the voice man now? Same? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Better? Sir, better. Yes, sir. Okay, let's see. If we can continue with this, let's see. Let's try. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये horizontal platform पे एक block से connect करके दूसरे block को दिखाया है और एक के ऊपर दूसरे को चढ़ा दिया है। Let us say this is 6M. And this is 3M, ठीक है? और इसके लिए time period of oscillation पूछ लिया। तो अगर आप देखोगे तो ये वापस से वही वाला केस है। देखो आप, देखो ये वापस से वही केस है या नहीं? देखो, isn't the same case? Yes, 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 sir. एक spring के दो end से दो block connected है, तो बस वापस से वही केस हो गया। तो इसकी time period of oscillation भी same तरीके से निकलेगा reduced mass वाले concept से। So this will be equal to 2 pi root under 6M और 3M का reduced mass कितना होगा? 2M होगा ना? M1 M2 by M1 plus M2 करो। Yes sir. दिख रही है आपको? Yes sir. Yes sir. Since mu की value यहाँ पे 6M into 3M divided by 9M which is basically 2M आ रही है। समझ आ गई सबको? Yes sir. Yes sir. Okay. अब कुछ टिपिकल एग्जांपल्स आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के दिखाता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा। चांसेस ऑफ कमिंग इन नीट इज वेरी लेस, मतलब नीट में आने के चांसेस बहुत कम है। जेई मेंस में आपके आ सकते हैं, जेई मेंस के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए आ सकते हैं, बट नीट में आने के चांसेस बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स है।
this constant is k, and this mass is m. This pulley is idle. इसका time period of oscillation पूछ लिया है. ये time period of oscillation zero के लिख सकते हैं. This will be 2 pi root under m by k. लिख सकते हो नहीं? क्योंकि देखोगे अगर तो पुली यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है. पुली इज जस्ट नेविगेटिंग द स्ट्रिंग अराउंड द लूप, है ना? है नहीं है, बस इसको घुमा के घुमाने के लिए बस, और कुछ काम ही नहीं है. अगर आप देखोगे तो एक एंड स्प्रिंग का है जो फिक्स्ड है, और दूसरा एंड जो स्प्रिंग का है उससे ब्लॉक कनेक्टेड है, और उस केस में एम जी फोर्स उसको पुल करके बेसिकली ऑसिलेट कराएगा. तो एग्जैक्टली वही तो है ना, समझ आ रही है आपको? ओके, बट इस सिनेरियो को थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए, थोड़ा सा चेंज करें, इस बार हम इसको आइडियल नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग यू आइडियल. ये एक प्रैक्टिकल पुली है जिसकी मास और रेडियस दी हुई होगी. दिस इज अ नॉन आइडियल पुली. पुली हैज मास, मास एम पी लिख लेते हैं, रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, and is sufficiently rough to prevent slipping. Sufficiently rough to prevent slipping of rope. Prevent slipping of string. Slipping of string. अब इसके लिए time period of oscillation आपसे पूछा कितनी होगी, ठीक है? तो एक तो मेहनत करके तरीका है. मेहनत करके मतलब देखो, left hand side में और right hand side में दोनों तरफ में तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि पुली आपका एक्सेलरेट करेगा ना, है ना? राइट? यस सर. ठीक है, तो इसलिए एक ही स्ट्रिंग होने के बावजूद भी उसमें लेफ्ट एंड राइट में आपको अलग अलग टेंशन दिखाना पड़ेगा. बट इसका एक आसान सा तरीका है. आपको याद है मैंने रोटेशनल मैकेनिक्स में आपको कंट्रीब्यूटिंग मास का एक लॉजिक सिखाया था, याद है आपको? कंट्रीब्यूटिंग मास आपको बताया? Yes, sir. बताया ना? Yes, sir. कॉन्ट्रीब्यूटिंग मास में कोई मास अगर ट्रांसलेट करता है तो उसके लिए m लेते हैं, कोई मास अगर रोटेट करता है तो उसके लिए i by r square लेते हैं, और अगर मास ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो उसके लिए m plus i by r square लेते हैं. याद है आपको? Yes sir. Yes sir. Do you all remember that? तो अभी इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को लिख सकते हैं. तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, दिस विल बी 2 पाई रूट अंडर m by k की जगह आपको कॉन्ट्रीब्यूटिंग मास लेना है. दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मास एंड डिवाइडेड बाई k करेंगे. कॉन्ट्रीब्यूटिंग मास में आप देखो क्या लिखोगे, एक ब्लॉक तो सस्पेंडेड है, जो सस्पेंडेड है उसका तो सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन के लिए क्या लिखोगे आप? सिंपली m. बट जो रोटेट कर रहा है पुली वाला, उसके लिए i by r square, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है. सो i by r square एंड डिवाइडेड बाई k कर लेंगे. That will be the answer. समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आसान तरीका होगा. अब सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं. अगर पुली के बारे में नहीं बता रखा है ना कि नेचर पुली का क्या है, तो आप हमेशा आइडियल मान के चलना, ठीक है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट k का है और ये मास m का है. इस बार टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर आपसे पूछे तो ये आप 2 पाई रूट अंडर m by k नहीं लिख सकते. इट विल नॉट बी दिस. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. कैन यू सी दैट? यस सर. कैन यू सी दैट? ठीक है, सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए रूट अंडर m by k वाला फैक्टर नहीं आएगा. अब एक k की m by k की जगह क्या लिखना है वो सोचना पड़ेगा आपको. तो मैंने आपको एक चीज जो बताई थी आज दोपहर में, आपको बता रहा था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो या फिर कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम हो, तो उसमें एक होती है इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तो आपको बस ये चेक करना होता है कि उसमें जो नेट फोर्स लग रही है वो कितना चेंज हुआ है. जो भी चेंज ऑफ फोर्स आता है वही उसका रिस्टोरिंग फोर्स होता है. ये समझाया था ना आपको? याद है आपको? यस सर. ठीक है, तो अभी देखो ये ब्लॉक ऑलरेडी ये ब्लॉक तो लटका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है, तो
तो डेफिनेटली एमजी की वजह से कुछ ना कुछ तो स्प्रिंग में ऑलरेडी इलॉन्गेशन होगा, है ना? देयर हैज टू बी सम इलॉन्गेशन, यस सर, राइट? लेट अस से दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन रहा होगा पहले से. नाउ व्हाट आई डू इज आई पुश इट फर्दर बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है? आई पुश इट फर्दर बाय अ डिस्टेंस एक्स. नाउ will the pulley also come down by same distance or a different distance? Batao. String constraint lagao, aapko samajh aa jayega. Agar main dekho spring ka jitna elongation. Am I audible? Yes, sir. Is the screen visible? Yes, sir. देखो मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम से मैंने उसको x से नीचे पुल किया है. क्या पुली भी हमारा x से आएगा या डिफरेंट डिस्टेंस से आएगा? देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाओ, आपको समझ आ जाएगा. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाओ, स्ट्रिंग को अगर हमने ब्लॉक को नीचे पुल किया बाय डिस्टेंस x, तो स्ट्रिंग लंबा हो गया x से. तो अगर ये लंबा हो गया x से, तो कहीं ना कहीं इसको छोटा भी होगा ना x से. देखो छोटा कहां पे होगा, देखो लेफ्ट और राइट. देखो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं स्प्रिंग का इलॉन्गेशन के लिए xs ले रहा हूं, xs इंडिकेटिंग स्प्रिंग का इलॉन्गेशन है, ठीक है? तो देखो ट्वाइस ऑफ xs दिस शुड बी इक्वल टू x ऑन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है. यस समझ आइए सभी को, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ अब चेंज नहीं करते, राइट? यस सर. यस सर. ठीक है, अब देखो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कितने से चेंज हुआ है. व्हाट इज द चेंज इन स्प्रिंग फोर्स? दैट विल बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स का चेंज अब लिखेंगे तो के इंटू एक्सएस लिखेंगे, राइट? है ना, स्प्रिंग फोर्स का चेंज बोल रहा हूँ, के इंटू एक्सएस. यस सर. यस सर. And that will be equal to kx by 2, right? Yes, sir. अब ये चेक करके देखो, अगर आप देखोगे ये पुली है और पुली के ऊपर की तरफ आपका स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है? पुली के ऊपर की तरफ आपका स्प्रिंग फोर्स है और नीचे की तरफ जो है वो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है ना, राइट? Yes, sir. तो क्या, yes, sir. Since pulley is ideal, तो force of spring should be equal to twice of tension or not at all stages, right? Yes, sir. Now the change of spring force will be equal to twice of change in tension, right? Yes, sir. Iska matlab change of tension is basically k by 4 into x, right? Yes, sir. And jo change of tension hai, wahi to restoring force on block hai ya nahi hai? क्योंकि ब्लॉक से कनेक्टेड कौन है, इसका मतलब दिस चेंज ऑफ टेंशन बिकम्स द रीस्टोरिंग फोर्स. दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स. एंड अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो के इक्विवेलेंट दिख रहा है आपको कितना है, के बाई फोर है, दिख रहा है? क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स तो आ ही गया है, दिख रहा है आपको? यस सर. फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ ही गया है. एंड जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आया है तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वही तो आपका k हो जाता है ना, राइट? यस सर. यस सर. तो देयरफॉर इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितनी जानी चाहिए, विल बी 2 पाई रूट अंडर m / k इक्विवेलेंट. सो m / k इक्विवेलेंट ये कर लेंगे, इसका k इक्विवेलेंट बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है k / 4 में. समझ आई सबको? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. एक और ट्रैक इस बस अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं.
this is n, this is k. Again, time period of oscillation पूछे, तो this cannot be written as 2 pi rotunda m by k. क्यों? क्यों? So spring is a block directly block is connected, not connected to the spring. Good, good. Block is not directly connected to the spring. So again, same strategy आपको करना पड़ेगा. तो same strategy अपनाएं. ये मान लेते हैं उसका equilibrium position है, ठीक है? हमें बस ये check करना है कि उसका tension कितने से change होगा. That's it, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको pull किया by distance x. तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक आ गया है x से, ठीक है? तो isn't it obvious कि पुली भी x से ही नीचे पुल रहेगा, होगा नहीं, क्योंकि पुली और ब्लॉक तो आपस में कनेक्टेड है. यस सर. राइट. यस सर. तो अगर आप से तो अगर आप सिनेरियो देखोगे तो बेसिकली ये सिनेरियो ऐसा दिखेगा कि आपको ये पुली भी दिखेगा कि पुली हैज आल्सो कम डाउन बाय सेम डिस्टेंस x. तो इधर से ये लंबा हो गया x से और इधर से भी लंबा हो गया x से. देखो ये इधर से x आ गया और ये इधर से भी x आ गया. दिख रहा है आपको? Getting it? Yes sir. Yes sir. But क्या string लंबा हो सकता है? Can string elongate? No sir. No sir. String? No. String is inextensible. तो ये जो 2x का elongation मुझे दिख रहा है, ये actually किसमें हुआ होगा? String में. String में. Yes sir. समझ आ रही है? तो इसका मतलब डेफिनेट है यहाँ से ये स्प्रिंग जो है वो फर्दर इलोंगेट हो गया होगा. स्प्रिंग का इलोंगेशन अगर लिखें, एक्सेस जो हमें दिखा रहता है, ये जो एक्सेस है, दैट इज सर्टेन इक्वल टू 2x आ जाएगा. समझ आई? यस. समझ आई? यस सर. ये अगेन दिस इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है? एंड जैसे ये मिल गया तो अब आपको ये पता है कि चेंज ऑफ टेंपो जो आप लिखोगे दैट विल बी k टाइम्स ऑफ xs, मतलब k टाइम्स ऑफ 2x लिख दिया. करेक्ट? करेक्ट है? यस सर. यस सर. यस सर. फिर से पुली का कंडीशन निकालो. अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये पुली है और इधर से जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली इधर से भी सेम स्प्रिंग फोर्स लगेगा क्योंकि वो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है. तो इधर से भी स्प्रिंग फोर्स, इधर से भी स्प्रिंग फोर्स और इधर से टेंशन टी है. तो क्या ये लिख सकते हैं टेंशन इज एक्चुअली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्ट्रेन फोर्स? लिख सकते हैं? यस सर. चेंज ऑफ टेंशन विल बी एक्चुअली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चेंज इन स्प्रिंग फोर्स. सो दैट बिकम्स इक्वल टू 4k इनटू x. अगर आप देखोगे तो यही तो उसका रिस्ट्रेन फोर्स है, नहीं है? इसका मतलब 4k ही बेसिकली क्या हो गया, k इक्विवेलेंट हो गया. यस सर. इसका मतलब इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फिर से 2 पाई रूट अंडर m / k इक्विवेलेंट लिखेंगे. That's it. And k equivalent is 4k over here. समझ रही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. In case मैंने आपको समझाने की जो सबसे आसान तरीका है वो समझाने का मैंने वो अपनाया है आपके समझाने के लिए. अगर in case आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर भी नहीं समझ आ रहा है, तो मैं बोलूंगा results को कम से कम बस याद रख लो कि कौन सा केस में किसमें k by 4 है, किसमें 4k है, उसको याद रख लो. जस इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं है. समझाने की मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी अगर नहीं समझ आ रहा है तो याद रखेंगे आप. एक और सिनेरियो है, ये मान लो k1 का है, ये k2 का है और यहाँ पे एक मास m कनेक्टेड है, ठीक है? इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है. कोई अगर इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करे कि बोले कि दिस सिचुएशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन, आपको जस्टिफाई करना है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है. He's saying that these two scenarios are same. They're same or different? अगर आप देखोगे तो पहला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है उसमें दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको? Can you see that? Yes sir. Yes sir. और स्प्रिंग जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है?
सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज सीरीज बट सेकंड वाले में क्या आपस में कनेक्टेड है वो लोग नो सर नो सर कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन गॉट इट तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं हुए ना सो दे आर नॉट सिमिलर गॉट इट हां नॉट सिमिलर यस सर हां इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रा करें पहले वाले का इक्विवेलेंट अगर ड्रा करें तो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू this with k1 k2 divided by k1 plus k2 samajh aa rahi hai aapko yes yes sir and ye wala scenario jo ye wala case jo abhi maine just draw kiya dekho to ye wala case ye bhi kiya tha na maine stop kiya tha na yes sir yes sir isme k equal hai hame kya lena pad raha tha 4k इसका मतलब ये वाला केस में हमें k इक्विवेलेंट कितना लेना पड़ेगा 4 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय a1 प्लस k2 समझ आई आपको यस सर यस सर और ये वाले केस का तो k इक्विवेलेंट कितना है सिंपली k1 प्लस k2 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आई यस सर यस सर यस सर एक और अभी तक जितने भी केसेस आप देखोगे जितने भी केसेस मैंने कराए हैं अभी तक स्प्रिंग ब्लॉक के लिए वो सारे केसेस में जो ब्लॉक का लाइन ऑफ मोशन होता है और स्प्रिंग का लेंथ होता है वो दोनों एक ही लाइन पे होते हैं तुम देखो ब्लॉक वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग भी वर्टिकल है देखो ब्लॉक वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग भी वर्टिकल है दिख रहा है ब्लॉक हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग भी वर्टिकल है ब्लॉक हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है स्प्रिंग भी हॉरिजॉन्टल है देख रहे हैं आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो सारे क्वेश्चन में जो ब्लॉक का लाइन ऑफ मोशन है और जो स्प्रिंग का लेंथ है वो दोनों सेम लाइन पे हैं देख रहे हैं आपको यस सर यस सर बट अगर दोनों का लाइन ऑफ मोशन ही डिफरेंट हो जाए तो फिर अब क्या करेंगे अब वो केस कवर करते हैं ठीक है सो केस व्हेन line of motion of block makes an angle theta with the length of spring ye case cover karte hain to scenario kuch aisa hai let us say ये मान लो ये हमारा ब्लॉक है और यहाँ पे मान लो एक चैनल जैसा बना रखा है चैनल मतलब कि इस लाइन के अलावा ही बेसिकली तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है और किसी मूव नहीं कर सकता ग्रूव जैसा बनाने का है तो मैं सोचो कि किसी ने ग्रूव बना रखा है इस ग्रूव में ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है क्या समझ आ रही है आपको Yes, yes, sir. Let's say इस block से इसका spring constant k है और ये angle theta है और मुझे time period of oscillation इसी के terms में find out करनी है. अब इसके लिए आप क्या करोगे? इसको imagine करो कि हमने इस अच्छा मैं लिख देता हूँ इसका इसका जो k equivalent आता है ये आता है k cos square theta ठीक है मैं इसको डिराइव कर देता हूं तुरंत आपके लिए बस ये याद रखना कि k इक्विवेलेंट k cos स्क्वायर थीटा हो जाता है cos थीटा नहीं cos स्क्वायर थीटा आएगा अब कैसे आ रहा है उसकी बात करते हैं ये सोचो ये है एक लाइन ये दूसरा लाइन ये एंगल है थीटा ये है हमारा ब्लॉक सॉरी इमेजिन करो कि हमने ब्लॉक को इधर पुश किया बाय डिस्टेंस x ठीक है x से पुश किया है तो हमारा जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना देखो तो
ओके अगर x छोटा होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल थीटा ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा इसको थीटा डैश दिखाएं तो थीटा डैश विल अप्रोक्सीमेटली बी थीटा व्हेन x विल बी स्मॉल अगर x बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा बट x छोटे होने के लिए वो डेफिनेटली आपका सेम रहेगा करेक्ट है ना yes, तो sir, अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे तो ब्लॉक को तो मैंने x से डिस्प्लेस किया है बट क्या स्प्रिंग में x का इलोंगेशन आया है क्या चेक करो तो एक बार स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग का इलोंगेशन तो ये है देखो दिख रही है आपको yes, sir, दिख रही है yes, और ये डिस्टेंस कितना yes, है x cos थीटा दिख रही है आपको yes, sir. Yes, sir. तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स एड करेगी वो कितनी होगी k टाइम्स ऑफ x cos theta राइट यही आपका फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है बट ये स्प्रिंग फोर्स क्या रिस्टोरिंग फोर्स है या उसका कॉम्पोनेंट एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो आपको अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन लेना है और लाइन ऑफ मोशन कौन सा है उसका x के अलॉन्ग तो इस तरफ का जो कॉम्पोनेंट आएगा फोर्स का वो कितना लिखोगे आप देखो तो दिस विल बी जो स्प्रिंग फोर्स है उसका cos थीटा होगा या नहीं होगा होगा नहीं यस सर सो जो रिस्टोरिंग फोर्स हुई रिस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स cos थीटा सो स्प्रिंग फोर्स खुद कितना था kx cos थीटा तो kx cos थीटा * cos थीटा सो दैट बिकम्स k cos square थीटा * x समझ आया देखो यही वाला टर्म मैंने आपको बोला था ये k इक्वल समझ आई आपको यस सर Understood everybody? Yes, yes sir. So you assumed that x is very small, right? So then you've made all these calculations, right? Yes, otherwise you will not be able to find out. Right, sir. I understood. Thank you. So ek chhota sa application dikha deta hu. Jaise imagine karo aisa ek scenario hai. Let's see, this is K1, this is also K1, this is mass M. So this angle is 60 degree, this angle is also 60 degree. And yahan pe aapka K2 hai. Aur iska time period of oscillation pooch liya kitna hai. Theek hai? So agar aap dekhoge, तो ब्लॉक को उसने डिस्प्लेस हमें इस लाइन पे करनी है ठीक है दे हैव गिवन अस दिस इज द लाइन ऑफ ऑसिलेशन लाइन ऑफ ऑसिलेशन अगर आप देखोगे तो K2 तो उसके लाइन K2 का जो लेंथ है उससे तो लाइन ऑफ ऑसिलेशन मैच कर रहा है ना यस सर यस सर तो K इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो K2 का तो पूरा लेना पड़ेगा बट K1 और जो दो K1 वाला है उनका क्या मैच कर रहा है लाइन ऑफ ऑसिलेशन से लेंथ नो सर उनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ट्वाइस क्योंकि दो K1 into cos square 60 degree ये करना पड़ेगा आपको समझ आया आपको yes sir yes sir and cos square 60 मतलब 1/4 हो जाएगा so that becomes K2 plus K1/2 ये आंसर हो जाएगा and therefore time period of oscillation would be 2pi root of m by k equivalent कर लेंगे समझ आया आपको yes sir did you all understood yes sir Yes, sir. ठीक है बेटा कई बार आपको दो अलग अलग ऑसिलेटिंग सिस्टम को कंबाइन करके एक क्वेश्चन भी बनाया जाता है जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम का सेटअप जैसा ले रखा हमने यहाँ पे बॉब लगा हुआ है मास एम का लेंथ एल का स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट के है और इसका भी एंड फिक्स्ड है
और अब अगर हमसे पूछे कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ कितना आएगा, इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, हमेशा छोटे डिस्प्लेसमेंट पे ही हमेशा काम करना, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है? Let us say this angle is very small, this angle is theta. तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये, इस डिस्टेंस को अगर हम x कह रहे हैं, तो ये x की वैल्यू डेफिनेटली l theta है, नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें जो फोर्सेज एड करेंगे वो क्या एड करेंगे, mg तो नीचे की तरफ एड कर रहा होगा, और इधर से देखो आपका kx का फोर्स एड करेगा, दिख रही है आपको kx की फोर्स, और mg का भी डेफिनेटली अब एक कॉम्पोनेंट आएगा क्योंकि एंगल थीटा है, तो kx के साथ साथ mg का साइन थीटा भी आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स वो कितनी आती kx plus mg sin theta. थीटा छोटी होगी, इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिखेंगे हम, kx plus mg into theta, and therefore this becomes kx plus mg into theta की वैल्यू is x by l, and this has to be equal to mass into acceleration लिखेंगे, तो यहाँ से acceleration की वैल्यू k by m plus g by l into x. देखो तो ऐसे चम्मच में प्रूफ कर दिया क्या? ये टर्म क्या होगी? इसकी एंगल फ्रीक्वेंसी हो गई है, एंड देन टाइम पीरियड भी 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब रूट अंडर 1 बाय k बाय m प्लस g बाय l n सर. समझ आई सबको? यस यस सर. ओके सर. समझ आ गई सभी को? यस सर. यस सर. इस पे एक छोटा सा एप्लीकेशन इसी पे बेस करके, जैसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का, जैसे इमेजिन करो कि अगर ऐसा सिनेरियो भी आपको देखा है, जैसे इफ अ ब्लॉक ऑफ मास m एग्जीक्यूट्स SHM of time period T1 and T2 under the action of two different restoring forces, acting along same line. Separately, then what would be the time period of oscillation when both of them act simultaneously? T2 लिख सकते हैं, ठीक है? When both of them act, तो फिर उस केस में जब हम दोनों का फोर्स नेट कैलकुलेट करेंगे, when both of them act, तो F1 plus F2 लिखोगे? लिखोगे नहीं, क्योंकि उसने कह रखा दोनों सेम लाइन पे सेपरेटली एक्ट कर रहे थे, है ना? Yes. Right? तो उस केस में वैल्यू क्या लिखोगे आप? K1 plus K2 into x, क्योंकि एक का रिस्टोरिंग फोर्स K1x है, दूसरे का रिस्टोरिंग फोर्स K2x है, तो दोनों का कंबाइंड रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखोगे? K1 plus K2x. Yes, sir. Right? Yes, sir. इसका मतलब जो कॉम्बाइन मास सिस्टम के लिए टीसी लिख रहे हैं, मतलब कॉम्बाइन मास कॉम्बाइन फोर्स के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या लिखोगे? 2 पाई रूट अंडर m बाय k1 प्लस k2 लिखोगे ना? लिखोगे? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. इसको स्क्वायर करके आप स्क्वायर करके इनवर्स कर दो. देखो क्या रहा है, के वन प्लस के टू की वैल्यू क्या आ रही है. दिस कमिंग आउट टू बी 4 pi स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय tc का स्क्वायर. आ रहा है क्या? आ रहा है? Yes, sir. और k1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन और k2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो. देखो क्या आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 2 पाई स्क्वायर लिख दिया, 4 पाई स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर एंड दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय tc स्क्वायर. सो देयरफॉर 1 बाय tc स्क्वायर विल बी 1 बाय t1 स्क्वायर प्लस 1 बाय t2 स्क्वायर. तो याद रखना आसान है, या फिर इसी को रीअरेंज कर लो तो आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर आ जाएगा. हो गया आंसर. बरे यस सर. यस सर. ठीक है. ये वाला केस अगर आप देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मैंने केस कराया है एग्जैक्टली इसी से बना हुआ है. देखो ये ब्लॉक जो है अगर सिर्फ स्प्रिंग से कनेक्टेड होता तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, और अगर सिर्फ पेंडुलम होता तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. होता ना? होता? यस सर. हाँ सर. और अगर दोनों कंबाइंड होके अगर एक्ट करेगा तब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो वो वाला निकाला हुआ है, तो उसको निकालने के लिए आप एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे कि 1 by tc square will be 1 by t1 square plus 1 by t2 square. t1 का value substitute कर दो 2 pi root under m by k, t2 का value substitute कर दो 2 pi root under l by g, और उसके बाद से value निकालो exactly वही आ जाएगा. समझ आया आपको क्या बोला मैंने? Yes, sir. ठीक है, तो इसको एक standardism की तरह आप याद भी रख सकते हैं कि अगर दो independent SHM का मतलब एक ही block होना चाहिए, तो एक block पे अगर दो independent restoring forces की वजह से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर आ रही है टी वन एंड टी टू और दोनों अगर एक साथ एक्ट करना स्टार्ट कर जाए, तो उस केस में अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें फाइंड आउट करनी है तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हम लोग डायरेक्टली टी वन टी टू बाई रूट अंडर टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर से निकाल सकते हैं. क्लियर हो गई सबके लिए? यस सर. ठीक है. स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम सबसे ज्यादा बड़ा है, मतलब ये अभी खत्म हुआ जाके, काफी लंबा सा टॉपिक था ये, क्योंकि इसी पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस या वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आप कह सकते हैं बनता है. चलो अभी आप नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेंडुलम पे मूव करते हैं, टॉर्शनल पेंडुलम. एक पेंडुलम मैंने नहीं कराया, कौन सा बीच में एक और पेंडुलम, एक पेंडुलम मैंने स्किप कर दिया, कौन सा? कॉनिकल. कॉनिकल क्यों? UCM में पढ़ा है, क्योंकि वो UCM में हमने पढ़ रखा है, वो SHM का है ही नहीं पार्ट. ठीक है, इसलिए उसको नहीं किया. अभी हम टॉर्शन पेंडुलम की बात करते हैं. टॉर्शन टर्म आपने कभी भी सुना है पहले? यस. कहाँ पे, कौन से चैप्टर में हमने किया था? सॉलिड्स में, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर में, याद है? यस सर. हमने ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर्स में वो वाला टॉपिक किया था, तो सेम चीज यहाँ पे भी है. जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ पे एक हमने एक डिस्क की तरह लगा रखा है डिस्क, तो ये एक डिस्क है मान लो, इसमें लगा हुआ है. अब क्या करते हैं हम, इसको मान लो कि इसका कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका रेडियल लाइन है. इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए पे दिखा रहे हैं, और हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया यहाँ पे ए डैश पे, मान लो ट्विस्ट कर दिया, और ये एंगल को हम लोग यहाँ पे फाई दिखा रहे हैं या थीटा दिखा देते हैं. तो इस केस में एक रिस्टोरिंग टॉर्क इस पे लगनी शुरू हो गया, आपको याद है? याद है रिस्टोरिंग टॉर्क? एंड ये टॉर्क होगी वो प्रोपोर्शनल टू थीटा होती थी, याद है आपको? मतलब ये ट्विस्ट एंगल उसके प्रोपोर्शनल होती है. वहां पे मैं फाइव से इंडिकेट किया था, बट यहाँ पे थीटा लिख ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस थीटा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्डली मैंने आपको बताया था कि छोटा एंगल थीटा लेना चाहिए आपको. तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आप क्या लिखोगे, सी इंटू थीटा लिखेंगे ना. ये सी जो है वो क्या है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है. यस राइट.
So therefore, Aristotle and torque ki value ko likha moment of inertia about axis of rotation into alpha, and that will be c into theta. So therefore, alpha ki value ho gayi hai c by moment of inertia about axis of rotation into theta. Ho gaya. SHM prove kar liya humne. So therefore, this is SHM ka condition. And ye wala term jo jayega, that will be omega square. So therefore, time period of oscillation will be 2 pi root under moment of inertia about axis of rotation divided by c. Ho jayega. Clear? Yes, sir. Okay. अभी next standard result पे move कर रहे हैं. SHM of object inside a tunnel of earth. यहाँ पे देखो हमने एक टनल क्रिएट कर रहा है अर्थ के अंदर. ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ अर्थ है. अर्थ की रेडियस को कैपिलर मान लेते हैं. और ये टनल का जो लोकेशन है वो अर्थ से मान लेते हैं हम लोग एक डिस्टेंस एल पे. ठीक है, एल डिस्टेंस पे ये टनल क्रिएट कर रखा है हमने. इस लोकेशन पे अगर एक ऑब्जेक्ट को आप ऑसिलेट करने के लिए छोड़ते हो तो उसका मेन पोजीशन कहां पे होगा? देखो तो यहां पे होगा क्या? ये उसका मेन पोजीशन होगा ना? यस सर. क्योंकि यहां पे जो फोर्स लगेगी वो आपकी एकदम टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगी और उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा. दिख रहा है आपको? यस सर. ये m * g एट अ रेडियल डिस्टेंस l आएगा. ठीक है, तो इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है. और कंपोनेंट नहीं है इसका मतलब यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया. बट अब आप क्या करते हो, इसको मान लेते हैं कि इसको हमने डिस्प्लेस किया बाय डिस्टेंस से x. यहां पे हमने डिस्प्लेस कर दिया है तो डिस्प्लेस पोजीशन पे अब इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस लाइन पे लगेगी और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट से आपको ऑलरेडी पता है. ये इस लाइन पे ऐड करना है. सो दिस विल बी m * g एट अ रेडियल डिस्टेंस r. यहां पे इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा. याद है आपको? याद है आपको? यस सर. सरफेस का वैल्यू इनटू रेडियस रेशियो है ना इंटरनल पॉइंट के लिए. याद है आपको? यस सर. तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस का फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा. सो लेट अस से दिस इज फोर्स f. तो इधर का कंपोनेंट कितना हो गया? f cos थीटा हो गया ना? यस सर. तो रिस्ट्रेइंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो गया? रिस्ट्रेइंग फोर्सेस f cos थीटा मतलब m * g एट अ रेडियल डिस्टेंस r * cos थीटा. Value substitute करें, so m into g at surface into radius ratio, so this will be small r by capital r, and cos theta का value, cos theta is base by hypotenuse, so this is x divided by r, this r gets cancelled out, restoring force को mass into acceleration लिखा, mass also gets cancelled out, and acceleration की value आ गई है g at surface by r into x. कैसे चम आ गया? Proof हो गया ऐसे चम? Yes sir. Yes sir. और ये वाला जो term होगा ये टर्म क्या हो गया इसका? ओमेगा स्क्वायर. सो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई बाय ओमेगा एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 2 पाई रूट अंडर आर बाय जी. राइट, आपको कुछ अच्छी चीज दिख रही है यहां पे? ये रिजल्ट आपको याद है? यस सर. 84 मिनट्स. यस सर, 84 मिनट्स आएगा. ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये इस ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये 84 मिनट्स है एप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली. और साथ साथ में एक और अच्छी चीज है कि ये लोकेशन ऑफ टनल पे डिपेंडेंट नहीं है. देखो ये आंसर क्या एल पे डिपेंडेंट है? नो सर. नो सर. इसका मतलब अगर मैं छोटा टनल क्रिएट करूं या बड़ा टनल क्रिएट करूं हर केस में इसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगी? सेम आएगी ना? यस सर. आएगी सर. गेटिंग इट? लेकिन इसको ध्यान रखनी है. ठीक है, द टाइम पीरियड इज
is independent of location of tunnel. इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मान लो एक बड़ा डायमीटर टनल है और एक साइड वाला टनल है, दोनों जगहों से हमने एक एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, इसको टी इक्वल टू जीरो पे और इसको भी टी इक्वल टू जीरो पे, और मैंने बोला कि ये अपने एक्सट्रीम एंड पे पहुंच रहा है तो ये टाइम टी इक्वल टू टी वन पे पहुंच रहा है, और ये एक्सट्रीम एंड पे पहुंच रहा है तो ये टाइम टी टू पे पहुंच रहा है, तो बताओ टी वन टी टू पे कौन सा बड़ा होगा, क्या कोई बड़ा होगा या दोनों सेम होगा, क्या दोनों में से कोई बड़ा होगा, और वो टाइम होगा हाफ ऑफ ऑसिलेशन है ना, क्योंकि एक एक्सट्रीमेंट से दूसरे एक्सट्रीमेंट गया है वापस तो नहीं आया, तो T1 और T2 दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, और ये वैल्यू कितनी होगी, टाइम पीरियड ऑफ SHM का जो टाइम पीरियड था उसका हाफ, सो विच विल बी पाई रूट अंडर आर बाई जी, क्या पास में चाहिए, समझ आइए सभी को, दोनों एक साथ पहुंचेंगे ये पक्का है, बट दोनों की वेलोसिटी तो अलग अलग होगी, अब दोनों की वेलोसिटी अगर अलग अलग है, ये वेलोसिटी को डायरेक्टली हम लोग ओमेगा इंटू ए करके भी निकाल सकते हैं, एक है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशन आपने सीखा है, आपको याद है ग्रेविटेशन हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि ऑब्जेक्ट को सरफेस से छोड़ेंगे तो सेंटर पे पहुंचेगा तो कितना वेलोसिटी होगा, याद है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके किया है, यस सर, यस सर, है ना, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटरनल पॉइंट पे स्फीयर का तो पता ही है, वो माइनस जीएम बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल पता है तो मास से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल जी भी मिल जाएगा हर जगह पे, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके तो एक आसान एक तरीका है, बट वो थोड़ा लेंथी है और उस पे तो रिजल्ट भी आपको लंबा चौड़ा से याद होना चाहिए, बट उससे बेटर तरीका यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसके लिए एम्पलीट्यूड अगर देखोगे तो ऊपर पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये रेडियस आ रही है, और दूसरे वाले के लिए अगर एम्पलीट्यूड देखोगे आप तो वो आर बाई टू है, देखो दिख रहा है कि आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आपको दिख जाएगा, देखो ये रेडियस डिस्टेंस आ रहा है और बेस आपका रूट थ्री आर बाई टू है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री तो हुआ ना, तो इधर से कितना हो गया 60 हो गया, समझ आ रही है आपको, यस सर, यस सर, यस, तो वी वन की वैल्यू कितनी हो गई है ओमेगा इनटू आर, और वी टू की वैल्यू कितनी हो गई है ओमेगा इनटू आर बाई टू, समझ आई आपको, यस सर, जहां पे ओमेगा कितनी है रूट अंडर जी बाई आर, गॉट इट, दोनों के लिए कॉमन, समझ आई है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक, चलो अभी SHM ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट करते हैं, किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के SHM का टाइम पीरियड, इसके लिए कुछ डेटा चूज कर लेते हैं, वैसे
मान लेते हैं यहाँ पे ये एयर है, ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी हमने रो एल दे रखा है, और ये सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी रो एस दे रखी है, और ये हाइट सबमर्ज जो है इक्विलिब्रियम पे, ये स्मॉल एच है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, और इस सिलेंडर का टोटल हाइट जो है ये कैपिटल एच है। इसके लिए हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहला चीज है इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिंस ये इक्विलिब्रियम पे भी फ्लोट कर रहा है तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, वेट और अपथर्स बैलेंस होना चाहिए, और वेट और अपथर्स बैलेंस का द सॉलिड इनटू कैपिटल एच शुड बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल एच, ये कंडीशन आएगी। यस आएगी क्या, देखो ठीक है, एरिया और जी तो कॉमन है, कट जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है? और अगर एक्स्ट्रा डूबा है तो वहां से एक एडिशनल अपथर्स क्रिएट होगा या नहीं? Yes, sir. बाकी तो कोई चेंज नहीं है, पहले जितना डूबा हुआ था उस पे जो अपथर्स लग रहा था वो लगेगा ही, mg जो लग रहा था वो लगेगा ही, तो mg और पहले वाला अपथर्स वो तो आपस में बैलेंस है, तो जो एडिशनल डूबा क्या वही रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा या नहीं, उसी का अपथर्स होगा ही नहीं होगा? हां सर। यस तो इसकी वजह से अब ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि एट डिस्प्लेस पोजिशन की अगर हम बात करें, एट डिस्प्लेस पोजिशन जब हमने डिस्प्लेस किया उसको, जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज बेसिकली द चेंज इन अपथ्रस्ट, एंड चेंज इन अपथ्रस्ट कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू एक्स, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगी इनटू जी, समझ आई आपको? और रिस्टोरिंग फोर्स को फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू एरिया इनटू कैपिटल एच, ये मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू एक्स इनटू जी, सो यहां से एरिया कट जाएगा आपका, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज रो एल इंटू जी बाय रो एस इंटू एच एंड इंटू एक्स। अब रो एस इंटू कैपिटल एच बाय रो एल, देखो रो एस इंटू कैपिटल एच बाय रो एल ये स्मॉल एच है, फर्स्ट इक्वेशन से देखो रो एस इंटू कैपिटल एच बाय रो एल ये स्मॉल एच है ना? यस तो इसको यूज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज जी बाय एच एंड इंटू एक्स, ये याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स तो प्रूव कर लिया, तो एक्सेलरेशन तो आ गया, ये वाला टर्म जो हो जाएगा ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड देखो टाइम एक्सेलरेशन रूट अंडर एल बाई जी तो याद रहती है आपको, तो उसकी तरह आपको क्या देखना है, टू पाई रूट अंडर एच बाई जी, जहां पे एच क्या इंडिकेट कर रहा है, सो एच इज रो एस इंटू कैपिटल एच बाई रो एल विच इज बेसिकली द हाइट ऑफ सबमर्ज पोर्शन एट इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आई आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दिस एच ओवर हियर इज हाइट ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन एट इक्विलिब्रियम। ये तो एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ये कई बार आपको दिख जाएगा, और कई बार आपको थोड़ा सा डिबेटेड भी दिख सकता है, जैसे इमेजिन करो आपको बाबा तुझसे नाराज नहीं है, अभी तो आप लोगों को जो टाइम बीत रहा है आप लोगों को तो लगता है बस सब नाराज ही है, ड्रॉप आउट ईयर में इतना अच्छा फीलिंग कहाँ आता है, ड्रॉप आउट ईयर में इतनी अच्छी फीलिंग आती है क्या, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। ड्रॉप ईयर में तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है यार, एक सब मनुष्य सब होता है, इतना किस स्टार्टिंग में, बट इन द मिडिल इट्स ओके ओनली, यू गेट यूज्ड टू इट नो, आफ्टर 3 मंथ्स यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स लाइक मैरिज नो, यू गेट यूज्ड टू इट, हां दैट आई डू नॉट नो अबाउट। अच्छा एनीवे देखो सर, सो इसमें थोड़ा सा डेविएटेड रिजल्ट अभी करते हैं, जैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, जैसे इमेजिन करो कि ये कंटेनर है एंड
यहाँ पे मान लो ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है, इट्स कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज लिक्विड, एंड इसके लिए डेटा भी दे देंगे आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिया, एंड ये सिलेंडर के लिए मान लो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर भी दे रखा है, दिस हैज डेंसिटी रो एस, एंड इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ लिया, झूठ मूठ का तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा रहे हैं। तुम्हें बस इतना सोचना है कि अगर मैं इसको फर्दर पुश या पुल करूं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो कौन से फोर्सेस जो चेंज होंगे, क्या एम जी चेंज होगा, क्या एनर्जी चेंज होगा, क्या अपथ्रस्ट चेंज होगा, नो सर, नो सर, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ना, स्प्रिंग फोर्स, यस सर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट द चेंज ऑफ स्प्रिंग फोर्स, राइट सर, एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपली क्या रहेगा, 2 पाई रूट टाइम बाय के होगा ना, यस सर, समझ आई आपको, यस सर, यस सर, डुबाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा चेंज करें वापस से तो देखो फिर फर्क पड़ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये देखो इस बार हमने इसको ऐसे डाल रखा है, दिस इज के, दिस इज मास एम, एंड डेंसिटी मान लो रो एस है, एंड ये पार्शियली सबमर्ज्ड है, दिस पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक, दिस इज एयर एंड दिस इज लिक्विड, लिक्विड ऑफ डेंसिटी 12 मान लो। अब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा, अब सोचो अगर मैं इसको थोड़ा अमाउंट अगर एक्स से पुश करता हूं नीचे, तो फिर ये एक्स्ट्रा डूबेगा या नहीं डूबेगा, एक्स्ट्रा डूबेगा ना, यस सर, Yes, इसका मतलब अपथ्रस्ट भी बढ़ा और स्प्रिंग भी फर्दर इलोंगेट हुआ ना, yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे जो रिस्ट्रोइंग फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा, चेंज इन स्प्रिंग फोर्स भी है प्लस चेंज इन अपथ्रस्ट भी है या नहीं, yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के चेंज के लिए क्या रहेगा, के एक्स, एंड अपथ्रस्ट के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी, ये तो लिखोगे आप, एंड रिस्ट्रोइंग फोर्स को फिर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं आप, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, के बाई एम इंटू एक्स एंड प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी एंड डिवाइडेड बाय मास को लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ए इंटू कैपलेज, कैपलेज बीइंग दिस हाइट जो पहले लेते थे, तो यहाँ से देखोगे अगर ए ए कैंसिल आउट हो गया एंड ये वापस से देखो वही रिजल्ट आ गया, के बाई एम एंड प्लस जी बाई स्मॉल एच एंड इंटू एक्स, देख रही है आपको, ये मैंने आपको जो समझाया था 1 by t c square equal to 1 by t1 square plus 1 by t2 square, याद है, yes. दो अलग अलग फोर्स है ना, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया, गॉट इट, तो चेंज हो गया, तो दोनों सेटअप दिखने में लग रहा है कि एक ही है, बट क्या एक सेटअप था दोनों, नो सर, बोथ आर डिफरेंट, दे वर एंटायरली डिफरेंट, चलो अभी नेक्स्ट एक लास्ट, SHM of a liquid column in a V tube. एक V tube में liquid column बड़ा हुआ है और उसके time period of oscillation को find करनी है.
मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक वीडियो प्ले रखा है और इस वीडियो में हमने टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम को एल दिखा रखा है. दिस एल इज द टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम. देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूं मैं. आई होप यू आर एबल टू सी द मार्किंग. यस सर. ठीक है, सो ये लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम है एंड दोनों आर्म्स जो है ट्यूब के वो दोनों की इंक्लिनेशन अलग अलग है. ये मान लेते हैं एक तरफ से एंगल को मान लेते हैं ये थीटा वन है और दूसरी तरफ से एंगल मान लेते हैं थीटा टू है. ठीक है, दोनों आर्म्स का इंक्लिनेशन अलग अलग है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली अगर आप एक तरफ से लिक्विड को पुश करके छोड़ दोगे तो लिक्विड कॉलम इसमें ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा ना आपको. तो लेट्स से कि हमने इसको पुश कर दिया, फ्रेंड से मान लेते हैं इसको पुश कर दिया राइट की तरफ बाय डिस्टेंस x. तो सिंस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो चेंज नहीं कर सकते आप, तो लेफ्ट में अगर नीचे की तरफ गया है तो राइट में वो सेम डिस्टेंस से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना, x से ऊपर उठ जाएगा वो लिक्विड. यस यस सर. हां सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब में मान रहा हूं कि यूनिफॉर्म है, ये x आपका ऊपर उठ जाएगा. बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे हाइट का चेंज आपको सेम नहीं मिलेगा. हाइट का चेंज क्या सेम मिलेगा? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का लेंथ हम दोनों में सेम ले रहे हैं बट दोनों का इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ डिफरेंट है तो हाइट का चेंज तो डिफरेंट आएगा ना, होगा. यस सर. यस सर. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे देखो ये वाली लाइन के रेस्पेक्ट में, देखो आप ये वाली लाइन के रेस्पेक्ट में इसको देखो, देखो एक एडिशनल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा ना दोनों इस पॉइंट पे. अगर आप देखोगे देखो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे देखो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को कंपेयर करो. लेफ्ट वाला जो डॉट है रेड कलर वाला वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है yes, और राइट वाला डॉट जो है वो फ्री सरफेस से थोड़ा सा नीचे है ना. yes, sir. Yes, sir. तो उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा तो ज्यादा मिलेगा उसको और जो एक्स्ट्रा प्रेशर मिलेगा उसी की वजह से वो एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा. तो यहाँ पे हाइट का चेंज कितना हुआ है वो आपको सोचना है पहले, तो उसी से आपको प्रेशर का डिफरेंस मिल जाएगा. देखो तो यहाँ पे ये हाइट अगर देखें तो ये है एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू. देखो तो सही है ना, दिख रही है आपको. yes, ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस कितना का क्रिएट हुआ है, रो जी एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, है ना, सही. एंड ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसी को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स मिल जाएगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया and इसी को फिर हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे. तो मास ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन दैट बी रो जी इनटू एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू एंड इनटू एरिया ए. मास को सब्स्टिट्यूट करें सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इनटू इनटू एक्सेलरेशन ए दैट विल बी रो जी एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू इनटू ए. ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल गई है जी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू डिवाइडेड बाय एल एंड दिस होल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद एक्स. तो मगर कंडीशन आ गया और ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये पूरा क्वांटिटी आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. सो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2 पाई रूट अंडर L by G sin theta 1 plus sin theta 2. ये standard result इसको याद रखेंगे. Clear है? Yes sir. अगर ये VTube नहीं होता, अगर ये YouTube होता, तो difference क्या create होता? Theta 1, theta 2 same होता. Theta 1, theta 2 90. थीटा वन और थीटा टू दोनों ही 90 हो जाते हैं और दोनों ही 90 होता मतलब साइन 90 प्लस साइन 90 तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है, होता नहीं होता. yes, और यूट्यूब थीटा वन की वैल्यू थीटा टू की वैल्यू ये आपकी 90 डिग्री होती एंड देयरफॉर
टाइम पीरियड इसकी 2 पाई रूट अंडर एल बाई 2 जी आती है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना इसमें कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जैसे आपने फॉर्मूला में याद किया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसको ऑलरेडी पता होता है कि आप कैसे रटते हो चीजों को। आप रट लेते हो वैल्यू को तो रट लेते हो, बट ये ध्यान दीजिए कि थीटा कहाँ से लेना था। हमने तो थीटा लिया है, कहाँ से लिया है? हॉरिजॉन्टल से लिया है ना? यस है ना? यस सर। अगर अगर यही उसने वर्टिकल से अगर दे दिया होता, वर्टिकल से, तो फिर आपका जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा हो जाता ना? कॉस थीटा हो जाता। समझ आ रही है? तो इसीलिए जान बुझ के ध्यान रखना है चीजों को। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आप बेवकूफ की तरह ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना, आप देखना कि एंगल कहाँ से दे रखा है। अगर ऊपर से दे रखा है, वर्टिकल से एंगल दे रखा है, तो आप हॉरिजॉन्टल वाला एंगल निकाल लेना, फिर कैलकुलेशन करना। ठीक है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने कि एल जो है टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम है, आप वो लिख लेना। ठीक है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 में एल क्या है? एल क्या है वहां पे? टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। ठीक है, जितने भी आपको कराए मैंने वो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो तो ठीक है, याद रखना है। बाकी न्यूमेरिकल्स की तरह भी बहुत सारा बीच बीच में कराया है, उनको न्यूमेरिकल की तरह ही ध्यान रखना, उनको रिजल्ट्स की तरह मत रखना। बाकी तो सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है बन जाएंगे आपके। कुछ एक दो जो अलग हो सकते हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे आप सोचो कि अगर अब मान लो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से नहीं है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में नहीं भी आएगा तो कम से कम मैंने हर बार आपको क्वेश्चन तो डिराइव करके दिखाया है। और अगर तुम डिराइवेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर बार हम क्या करते हैं, हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेस करने के बाद उस पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आ रही है, और हर बार ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन होगी। करते हैं या नहीं करते है ना? यस सर। लीनियर एसएचएम है तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर एंगुलर एसएचएम होगा तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, यही करते हैं ना? यस सर। तो बस ये काम आपको ध्यान रखना है कि यही इसी तरीके से आपको प्रोसीड करनी है। तो मैं एक एक तो एग्जांपल वैसे भी दिखा देता हूं आपको, ताकि कम से कम आपको याद रहे कि कैसे करना है। हर चीज को रटते नहीं है बट ध्यान रखो तरीके को। इमेजिन करो कि एक रॉड है, इस रॉड को बीच में हमने हिंज कर रखा है और दो एंड पे हमने क्या किया है, इमेजिन करो दो स्प्रिंग लगा रखे हैं, एक एंड पे इधर से ये कॉन्स्टेंट के का और इधर पे भी मान लो सेम कॉन्स्टेंट के का एक और स्प्रिंग लगा दिया। ये भी के का है, ठीक है, ये बता दिया उन्होंने दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड, मास एम और लेंथ एल का, हिंज्ड एट सेंटर है, और इसमें पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितनी आएगी ये फाइंड करो। ये तो एंगुलर एसएचएम ही है ना, है ही नहीं है? यस सर। सिंस ये सेंटर पे हिंज्ड है, सेंटर पे हिंज्ड है तो वेट का तो कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि वेट तो वहीं से पास कर जाएगा ना, होगा नहीं? yes, होगा तो इसलिए वेट दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ, मैंने टर्न किया अपने रॉड को छोटे एंगल से, छोटे एंगल से टर्न करोगे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेंगे, ये कुछ ऐसा से आगे दिख रहा है देखो। तो अगर ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई है वो कितने से हो गई है, एल बाई टू इंटू थीटा कॉम्प्रेस हुई है नहीं हुई, है नहीं हुई? Yes, तो अगर स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई है एल बाई टू इंटू थीटा से, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स भी तो उसी के प्रोपोर्शन में लगाएगा, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, जो स्प्रिंग फोर्स आएगी, ये स्प्रिंग फोर्स होगी के इंटू एल बाई टू इंटू थीटा, इधर से भी और इधर से भी देखो सेम आएगी, के इंटू एल बाई टू इंटू थीटा, दिख रही है आपको? yes, और ये दो ये देखो एक क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये देखो ये क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। सो देयरफॉर जो रिस्टोरिंग टॉर्क आ रही है दैट इज k into l by 2 theta, ये force हो गया, into perpendicular distance which is l by 2, ये आएगा और इसी का दो गुना ले लेंगे। देखो सही आ गया, समझ आया आपको? समझ आया?
Yes, sir. Equal to ML square by 6, sorry, ML square by 12 and into alpha, and that will be K into L square by 2 into theta. So L square gets cancelled out, or 6 aa jayega yahan pe, to alpha ki value ho gayi hai 6K by M into theta. Ho gaya such improve. And therefore, ye wala term aapka omega square ho gaya. This is omega square. And the time period is 2 pi root under M by 6K. Clear hai sabhi ko? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, क्लियर है सभी को? यस सर।